उधर भी टीवी लगाया ना। विजय सर कहिए। तीनों इस पे कर दिया। मेरे को एक कोई चैनल मेरे फोन पे ओपन करके दे देना, एकत्वम का। वाओ क्लास, इधर मेरा मेरा देखता हूँ मैं। ओके, इट्स 8:29। विल वेट फॉर 3-5 मिनट्स मोर मैक्सिमम, क्योंकि आज पहला दिन है और प्रेस्टीज पॉइंट तुमने देखा होगा बहुत बड़ा है, ठीक है? तो यहाँ भटकने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स वी विल स्टार्ट। तब तक विजय सर भी आ रही है, यशवंत सर भी आ रहे हैं एंड ऋषभ सर भी आ रहे हैं, तो एक बार मैं आप सबको मिला दूँ। देखे तो सही कि अगले 3 महीने 3.5 महीने जान कौन लेने वाला है, पता चलना चाहिए ना। हाँ है ना, कि अच्छा ये बंदा है जो मेरी जान खाएगा। यस सर, नो सो जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। तब तक आप थोड़ा सा एक दूसरे से बात कर सकते हो, सन्नाटा रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आराम से चिल मार सकते हो, ऐसा कुछ टॉर्चर वाला गेम नहीं होने वाला यहाँ पे, ठीक है? चले, लाइव स्ट्रीम में भी जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, वी हैव 5 मिनट्स गाइज, सो यू कैन, जो भी आपको लघु शंका दीर्घ शंका है निपटा के आ जाओ, सवेरे का समय है ना। हाँ है ना। चलो, अच्छा रजिस्टर लाया है सबने एक, कि फाउंडेशन का जो बचे पेजेस थे वो लेके आ गए आज, कि फाउंडेशन के जो बचे पेजेस थे ना सर रजिस्टर के, फाड़ लिए। पहले दिन खर्चा कौन करेगा, हाँ है ना, ऊपर से आपने इतनी फीस ले ली जीवन में। चलो गुड, रजिस्टर नहीं लाए हो तो यू हैव 5 मिनट्स, टेक द रजिस्टर, तुमको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है? प्लीज किधर है दोनों तीनों लोग, किधर है लगा। ओके, मैं पहले मेंशन कर दूं, पहले 2-3 लेक्चर तक आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, पर जिन लोगों के एडमिशन्स हो चुके हैं वो आज मॉड्यूल 1 कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपके 3 कलर मॉड्यूल रहने वाले हैं, क्लास शुरू होने के पहले बोल दूं, 3 कलर मॉड्यूल्स रहने वाले हैं, 2 कंपनीज एक्ट के और 1 अदर लॉ का, ठीक है? आपको 1 मॉड्यूल आज मिलेगा, ठीक है, जिनके एडमिशन्स हुए हैं। टाइम टू टाइम 5 डेज बाद आपको 2nd मॉड्यूल मिलेगा, 5 to 10 डेज बाद 3rd मॉड्यूल, नियरली हम 1 मंथ बाद, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है और इंस्टीट्यूट ने 1 महीने पहले नियरली 5 जुलाई के आसपास मटेरियल लॉन्च किया है, तो हमको सब टेस्ट करके प्रिंट करना है, पर आपका चैप्टर जो है वो शुरू होने के पहले मॉड्यूल आपके हाथ में रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत, ठीक है? डोंट वरी। लाइव स्ट्रीम में जिनको चैप्टर के नॉर्मली डेमो नोट्स देखने, हालांकि नोट्स की फिलहाल जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू कैन डाउनलोड द नोट्स जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ व्यूइंग कि कैसे है।
ओके अजी सेकंड माइक चलो ओके सो हियर इज विजय सर एंड यशवंत सर ओके सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एवरीवन हाय गाइस वेलकम टू एकत्वम एकेडमी फेस टू फेस क्लासेस एज वेल एज लाइव स्ट्रीम क्लासेस ठीक है मेरा नाम है दर्शन खरे नाम सुना होगा ठीक है एंड मैं लॉ पढ़ाता हूँ जिंदगी में तुम्हारे लॉ ना लग जाए इसलिए मैं लॉ पढ़ाता हूँ ठीक है हेंसफोर्थ मैं तो आपसे गुफ्तगू करूँगा ही करूँगा बट लेट मी इंट्रोड्यूस टू द फ्यू फैकल्टीज ठीक है बाय सम सिचुएशन अभिषेक सर यहाँ पे नहीं है बिकॉज उनका फाउंडेशन का क्लास चल रहा है ठीक है बहुत सारे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स ही नो दे नो हिम ऑलरेडी ऋषभ सर भी नहीं है क्योंकि वो हम जैसे ऑफिस बॉयज लोगों के क्लास में फिलहाल नहीं आए हैं ठीक है बराएंगे डोंट वरी एंड हियर इज वी हैव यशवंत मंगल सर फॉर द जीएसटी प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम विद द अमेजिंग रिजल्ट्स ही हैज लास्ट टाइम मे 23 एग्जाम के लिए यशवंत सर के आउट ऑफ ऑल इंडिया 50 रैंक्स में से सीए फाइनल में 24 रैंक्स इंडिविजुअली सिर्फ यशवंत सर के थे सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग एंड ही हैज मोर देन 600 एग्जामिशंस इन मे 23 अगेन ऑब्वियसली पुणे में भी दिस टाइम हम फर्स्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पर ऑब्वियसली जब 500-600 के क्राउड के सामने हम किसी को इंट्रोड्यूस करते तो एवे नहीं करते हैं ठीक है एंड नन अदर देन यू नो ऑलरेडी सो मिस्टर विजय सारडा ठीक है नाम ही काफी है डायरेक्ट टैक्सेस और विजय सर दोनों एक दूसरे को एकदम मैच करते हैं ठीक है डायरेक्ट टैक्सेस भी बहुत बड़ा है ओके सो ऐसा हमारा चलता रहता है आप मत लेना पर्सनली ठीक है सो ऑब्वियसली आपको पता होगा सो हियर टू यशवंत सर एंड विजय सर प्लीज सर हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सो सीए इंटरमीडिएट तैयार हो ऐसे तैयार हो पक्का सो ऑल द बेस्ट गाइज लोग डराएंगे आपको कि ये तपस्या है और 8-9 महीने तक आप तड़प के रहोगे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इस तरह के लोग जब आपको पढ़ाएंगे तब माहौल ही अलग बनने वाला है क्योंकि चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती माहौल से है सो ऑल द बेस्ट गाइज डू योर बेस्ट और डे वन से ही जो आप पढ़ रहे हो उसको कोशिश करो सेम डे रिवाइज करो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो सो दैट बर्डन नहीं बढ़ेगा आपको अभी ये मत समझना कि अभी तो क्लास शुरू हुई है ना बोलते ना अभी पिक्चर बाकी मेरे दोस्त मत रखना क्लियर सो सेम डे जो आप पढ़ रहे हो सेम डे आप रिवाइज करते रहिए आपके एंड पर वैसे वी ऑल विल टेक केयर ऑफ यू ऑल गाइज कि आपके एंड पे भी आपका सिलेबस होता रहे एंड जब सिलेबस एंड की तरफ आएगा जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे और तो उस टाइम तक आप जो आज आप पढ़ रहे हो आज जो आप पढ़ रहे हो लास्ट तक आपके पास रहे एग्जाम्स तक याद रहे वी ऑल विल ट्राई आर बेस्ट एंड यू पुट योर बेस्ट ऑल द बेस्ट गाइज थैंक यू एकदम अकेडमी थैंक यू दर्शन सर थैंक यू सर ऑल अभिषेक सर ऋषभ सर थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अच्छा गुड मॉर्निंग हाँ जी सो न्यू सिलेबस आप पहली बैच है इसका भी आपको प्राउड होना ही चाहिए एंड एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगी डर भी थोड़ा लगेगा लगना भी चाहिए यस बट एक चीज़ हम आपको एश्योर करते हैं राइट एकत्वम के अंदर में या एज अ फैकल्टी भी ये वो क्लासेस होगी जहाँ आपको सबसे ज़्यादा मजा आएगा इस बात का गारंटी रहेगा दूसरी बात मैं लास्ट बैच के कुछ ये बता दूं दर्शन सर के दर्शन सर ने पिछले बैच में बोला था कि मैं 200 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो मैं अमरस का पार्टी दूंगा तो इस बार दर्शन सर ने मेरे को क्लियर कट बोला है कि यार मैं इस बार 300 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ एमसीक्यू का सेपरेट प्रैक्टिस कराने वाला हूँ तो आप सबको मैं पहले ही बता करके जा रहा हूँ कि ये पार्टी पहले मंग लेना ठीक है ये पार्टी पहले मंग लेना क्योंकि दर्शन सर ने पहले कमिटमेंट किया है और लिखना बहुत पड़ेगा चाहे इधर हो योर क्लासेस में क्योंकि देख अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है या कुछ भी आता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है राइट तो ये बहुत अच्छे से करना बाकी तो बहुत मजा आ ही जाएगा 11 बजे हम लोग आने वाले हैं टैक्सेस फिर 2:15 को कॉस्टिंग एंड देन अकाउंट्स राइट पहले फाउंडेशन में जितने देर क्लास थी अब उतने देर सोना है है ना घर पे मतलब घर पे सोना है या नहीं मेरी मॉर्निंग की क्लास है थ्योरी है तो मेरे को बोल रहे थे ये नहीं, नहीं, ओ, 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 यस
चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर. चलो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. ओके तो सब लोग सेटल हो गए अपनी अपनी पकड़ के जगह. अरे बोलो ना हाँ या ना. चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करें फिर. यस और नो. आगे सबसे पहले तो तुम इतने सारे बच्चे देख के बहुत डर गए होंगे. नहीं डरे? ऐसे लोगों में घूमने की आदत हो गई है ना जीवन में. आगे जो लोग इतने सारे बच्चे देख के डर गए होंगे, डोंट वरी, वहां लास्ट बेंच. मेरी आवाज आ रही है सबको लास्ट बेंचेस पे? एवरीबडी प्रॉपरली आवाज आ रही है? मेरी ही आ रही है पक्का? आवाज कंफर्म? इधर सबको आवाज आ रही है प्रॉपरली? एवरी कॉर्नर हाय ना. ओके फर्स्ट थिंग, ये क्राउड देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि दर्शन सर का मेरे तरफ ध्यान कैसे रहेगा. तो दर्शन सर पिछले 8 साल से ये कर रहे हैं और इतने ही क्राउड के साथ कर रहे हैं और उसी का नाम सुन के तुम यहां पे आए हो. ठीक है, तो जितने भी लोग कॉर्नर्स पे बैठे या जिनको उनको जो चाहिए थे वो नहीं मिली जगह, तो डोंट वरी, इट्स ओके. आप जहां पे भी बैठे हो वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा. तो इस हिसाब से क्लास के कुछ रूल्स है गाइस, कुछ रूल्स है क्लास के. पूछो कौन से, जोर से पूछो कौन से. ये मैंने फाउंडेशन में भी बोला था, आज भी बोलता हूं. रूल नंबर 1, क्लास के अंदर नॉर्मली 8:30 को हम लेक्चर शुरू करेंगे. 1-2 मिनट इधर हो सकता है, आपने ट्राई करना, आपने समय पे आना है. क्लास थ्रू आउट द कंसिस्टेंटली कंप्लीट होनी चाहिए. 90 लेक्चर्स मेरे हैं, 90 लेक्चर्स मेरे को हर बंदा यहां पे प्रेजेंट चाहिए. आप 90 लेक्चर्स यहां पे प्रेजेंट रहो, मेरे साथ साथ में होमवर्क करो. लॉ सब्जेक्ट को आपके हाथ में सजा के कैसे देना है विद द डेकोरेशन, मेरी जिम्मेदारी. और वो हम पिछले बैच में कर चुके हैं, इसके पहले भी कर चुके हैं. आई विल प्रॉमिस यू ऑन द डे 1, लॉ विल बी वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स विद द स्कोरिंग मार्क्स, भली फाउंडेशन में आपके साथ कोई भी हादसा क्यों ना हुआ हो. ठीक है, चेहरे पर ऐसे मेरे को बहुत सारे हादसे एकदम से नजर आ गए. ठीक है, पर इट्स ओके. तुम फाउंडेशन में 40 पे पास हो लॉ में, इट्स ओके, क्योंकि वहां बीसीआर भी था जो तुमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं. यस और नो? इंग्लिश, हालांकि मेरा खुद का इंग्लिश में हाथ तंग है. इंग्लिश 3 टाइप की होती है, यूएस इंग्लिश, यूके इंग्लिश, डीके इंग्लिश. समझ में आ रहा? सो सिंपल सी बात है, आपने 2 रूल फॉलो करने हैं. आपने कंसिस्टेंटली क्लास अटेंड करनी है और कंसिस्टेंटली होमवर्क करना है. लॉ के साथ क्या करना है आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए. ठीक है, आई विल टेक केयर कि तुम्हारे 100 मार्क्स सिक्योरिंग और स्कोरिंग कैसे हो जाए, दोनों चीजें. ठीक है, डील? अरे जोर से बोलो डील. ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए. रूल नंबर 2, क्लास में अगर आप आ रहे हो 8:30 बजे और थोड़ा लेट हो रहा है तो थोड़ा सा वेट कीजिए बाहर. मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो एकदम से एंटर नहीं करने का, नहीं तो आने वाला शाहरुख खान होता है. लो मैं आ गया, बोलो हाँ आया ना. उसमें भी कोई लड़की आ गई तो पीछे वाली सब पब्लिक डिस्टर्ब. ठीक है, सो थोड़ा लेट आ रहे हो, 5 मिनट वेट करना, मैं जब पढ़ाना बंद करूं आप एंट्री ले सकते हो. ड्यूरिंग दैट पीरियड आपका कुछ मिस होता है तो आई एम देयर. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास फोन है वो मेरे को साइलेंट पे चाहिए, बंद चाहिए. मैं पढ़ाते वक्त किसी ने भी फोन यूज करने का नहीं, नॉट इवन मी. ठीक है, अगर कोई फोन यूज करते हुए देखा तो उसका फोन 24 घंटे के लिए कॉन्फिस्केट हो जाएगा, उसके ऊपर चैटिंग भी मैं ही करूंगा. ना सच में बोल रहा हूं, फिर मत बोलना मेरा रिलेशन अच्छा चल रहा था तुमने तुड़वा दिया सर. ठीक है, और लास्ट बेंचेस तक के मेरे को गॉड गिफ्ट है. लास्ट बेंचेस पे भी जो लोग खास करके लास्ट बेंचर्स है स्पेसिफिकली, वो खास याद रखना, क्योंकि मेरे को पता चल जाता है कि कहां पे फोन यूज हो रहा है. नेक्स्ट रूल, क्लास में मैं जब भी कोई चीज बोलू, कुछ भी पूछू, मेरे को जवाब चाहिए. थ्योरी सब्जेक्ट है, मॉर्निंग समय है, ऑब्वियसली ताली एक साथ से नहीं बजती, डिस्कशन होना जरूरी है. ठीक है, मैं कुछ भी पूछू, एनी टाइम क्वेश्चन, आपने आंसर देना है. मैंने पूछे गधे को पैर कितने, 5 ना, देखिए हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कंफ्यूजन भी होती है लाइफ में. ठीक है, पर आपने जवाब देना है. 5 की 4 कैसे करना है वो मेरी जिम्मेदारी. ठीक है, कि अरे वो पैर नहीं था. समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? सो ये मेरी जिम्मेदारी कि इसको ठीक कैसे करना है. आप गलत बोलो, सही बोलो, सिर्फ रिलेवेंस में बोलो. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? नहीं तो मैंने कुछ पूछा गधे को पैर कितने, तुम लिख रहे सोनम गुप्ता बेवफा है, तो इससे बात बनने नहीं वाली. समझ में आ रहा है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 200 पेज की एक बुक बनाइए. ठीक है, इस बार आपके साथ में एक अच्छी चीज ये होने वाली है. लास्ट टाइम बच्चों को क्लास नोट्स के साथ में रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था क्लास में लिखने के लिए. इस बार आपको कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करना है क्लास में लिखने के लिए. आपको जो भी लिखना है वो क्लास नोट्स में ही लिखना है. जो मैं टेक्स्ट बुक दूंगा उसके अंदर स्पेस छोड़ी हुई है. आज आप मॉड्यूल कलेक्ट करोगे आपको आइडिया आ जाएगा. ठीक है, वहीं पे लिखना है. पर आपको एक 200 पेजेस का
रजिस्टर इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग करेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। इसके एडिशन में अगर आपको इनमें चमकना है, ठीक है, ये पिछले 3 अटेम्प्ट के रिजल्ट है। वी हैव स्कोर्ड AIR 1 ऑल ओवर इंडिया, AIR 2 ऑल ओवर इंडिया, इस बार कितने तो भी लाइन से रैंकर से। यहां पे अगर आपको आपकी फोटो चाहिए तो जितने मैंने रूल्स बोले वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। CA इंटर में पास होने का बहुत मूल मंत्र है कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क एंड ट्रस्ट, ठीक है, ये 3 चीजें फॉलो करना। हम कंसिस्टेंटली ये करते आ रहे हैं, हम सबको एक जैसा पढ़ाएंगे और हर एक बंदे के ऊपर ध्यान देंगे। अभी आपको लगेगा कि दर्शन सर ध्यान नहीं दे सकते, हम इतने बच्चे हैं, यू विल कम टू नो। लास्ट बैच के बच्चों को थोड़ा पूछ लेना कि कैसे ध्यान जाता है। तो यहां तक चीज होगी कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है वो मेरे को पता रहेगा, और आप पेन कैसा यूज करते हो वो भी मुझे पता रहेगा। वॉट एवर, कोई भी कोने में तुम जिंदगी में बैठ जाओ, आप बच नहीं सकते। अब वो कैसे टेक्निक है आई विल डिसाइड, ठीक है, बट दिस यू शुड बी अश्योर्ड विथ। फाइन, यहां चमकना है, नेक्स्ट टाइम यू शुड बी हियर इन दिस लिस्ट, एटलीस्ट इन द एग्जामिनेशन। डे 1 ही डिक्लेयर कर दूं, मैं लॉ पास होने के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं लॉ पढ़ा रहा हूं एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इससे कम मेरे को एडजस्ट नहीं होगा, तुम्हें हो रहा होगा, तुम तुम्हारा देख लो। मैं इस हिसाब से पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को एग्जामिनेशन चाहिए। इज इट वेरी क्लियर एवरीबडी? बोलो हाँ है ना? जवाब जवाब, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करें फिर बच्चों। यस सर ना, एवरीबडी इज रेडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। दरवाजा क्लोज कर देना, कोई आए रोक के रख लीजिए। गेट सेटल, लाइव स्ट्रीम में एवरीवन इज सेट, ऑडियो वीडियो क्लियर है, प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिएगा एवरीबॉडी लाइव स्ट्रीम में, सो आई कैन सी द कमेंट्स ऑल्सो। ओके, आपकी जितनी भी तकलीफें हैं, कितने लेक्चर्स है, क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं सब इस लेक्चर के एंड तक सॉल्व करूंगा। जस्ट गिव मी सम टाइम, लाइव स्ट्रीम में जितने लोग ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं विद द सीए इंटरलॉ। बोलो हाँ या ना? ओके, मुझे बताओ सब्जेक्ट का नाम क्या है? लॉ, ऐसा बोलोगे तो कंफर्म लॉ है। इट इज अ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। एक बार सब्जन नाम बोलो। व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट मीन अ कंपनी, बोलो ना, हाँ है ना? सो डेफिनेशन ऑफ कंपनी, डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी। ये बोलने के बाद लॉ मेकर एकदम, ये कैसे लगा मेरा मजाक? बोलो हाँ है ना? और फिर हमारे जैसे टीचर कि ये क्या बना के रख दिया, ऐसा कौन बनाता है, और तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स। तो बात बहुत सिंपल है भाई साहब, ऐसे से तो पढ़ नहीं सकते। तुमने फाउंडेशन में ऑलरेडी फॉर्मूला ट्राई किया है कंपनी मीन्स अ कंपनी, तुमने बहुत सारे डेफिनेशंस पढ़े कि ये डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है, एक्सेट्रा। पर यहां तकलीफ ये है, डेफिनेशन कैसे पढ़ते हैं हमें पता नहीं, डेफिनेशन 4 टाइप्स के होते हैं हमें यह भी नहीं पता। ड्राफ्टिंग बेस्ड डेफिनेशन होता है, कवरेज बेस्ड डेफिनेशन होता है, ड्राफ्टिंग में 2 होते हैं, एक्ट बेस्ड, सेक्शन बेस्ड, कवरेज में 2 होते हैं, एग्जॉस्टिव इंक्लूसिव। डेफिनेशन के ही 4 टाइप्स होते हैं। पूरे डेफिनेशन फाउंडेशन में पढ़ लिए। व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक, व्हाट इज अ पब्लिक विच इज नॉट प्राइवेट। बोलो हाँ है ना? लास्ट बेंच सबको समझ में आ रहा है? हाँ है ना? तुमने डेफिनेशन पढ़ ली पर तुमको डेफिनेशन के टाइप्स ही नहीं पता। तुमने लॉ पढ़ लिया, तुम्हें लॉ कैसे बनता है वो ही नहीं पता। लॉ पढ़ लिया, उसका प्रोसेस क्या होता है वो भी नहीं पता। अच्छा, कंपनीज एक्ट का स्टोरी क्या है ये भी नहीं पता। पर फाउंडेशन में मार्क सिक्योर करने के लिए जितना चाहिए था उतना पढ़ लिया। पर एक मन एक चीज बोली जाती है सीए में, अगर तुम्हें पता होगा तो, फाउंडेशन इज 1%, इंटर इज 10% एंड फाइनल इज 100%। एवरी टाइम आपका डिफिकल्टी लेवल 10 से बढ़ता जाएगा, और तुम्हारे बेसिक्स कितने स्ट्रांग है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कर क्या रहे हो। इसलिए आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तुम्हारे साथ वो हादसा होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम से, फ्रॉम दिस सेकंड, एवरी सिंगल पर्सन फ्रॉम दैट कॉर्नर, लास्ट बेंचेस, ठीक है, टिल दिस कॉर्नर, इसके बाद में जो भी बोलूंगा ना, उस हर चीज के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि अगले एक घंटे में
तुम्हारी सिचुएशन चेंज हो सकती है, तो बहुत फोकस करके। आर यू हियर? ठीक है, लिखना विखना कुछ नहीं है, सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान दो और मैं जो बता रहा हूं उसको याद करो। ठीक है, सो इससे तो नहीं पढ़ सकते, सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग एल्स। ठीक है, कि कुछ बेसिक्स वेसिक हो जाए, सिलेबस विलेबस पता चल जाए। बोलो हाँ या ना, आर यू रेडी? सो ना, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद सम स्टोरी। ऐसी एक स्टोरी से शुरू करते हैं। किसकी स्टोरी सर? कौन सी स्टोरी? काई की स्टोरी सर? अ स्टोरी ऑफ ओयो, अ स्टोरी ऑफ ओयो। कुछ लोगों ने देख के एकदम स्माइल आ गई चेहरे पे, मैं समझ गया। कुछ लोग जाके आए होंगे, कुछ लोगों के ख्वाब होंगे, एंड ऑब्वियसली फेमस फॉर नॉन फेमस थिंग्स। बोलो हाँ या ना? पर ये 1.8 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री और दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट, दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट होटल चेन बनाने में कितनी मशक्कत लगी है ये आपको नहीं पता। आपको ये केस स्टडी, सिर्फ मैं केस स्टडी करके नहीं पढ़ा रहा हूं, बहुत सोच समझ के इसके अंदर और भी चीजें हिडन है, इसलिए मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूं। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज मुश्किल है। ठीक है, जो अगले 45-50 मिनट्स अच्छे से ध्यान देगा उसको सब याद हो जाएगा, जस्ट वेट। सो ओयो स्टोरी स्टार्ट करें। बोलो हाँ या ना? एवरीबॉडी इज रेडी? सो ना। ठीक है, जब भी नेक्स्ट टाइम ओयो में जाओ तो ये याद रखना कि इसकी भी एक स्टोरी थी, तुम्हारी बनना सिर्फ जरूरी नहीं है। ठीक है, लेट्स गो। सो सबसे पहली चीज, ओयो का फुल फॉर्म क्या है? ऐसा भी होता है सर, ओयो का फुल फॉर्म था? मैं तो सिर्फ जाके आया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओयो? इट इज कॉल्ड एज ऑन योर ओन। ऑन योर ओन बुकिंग करो, बाकी सब नहीं। ऑन योर ओन क्या करो? बुकिंग करो, बाकी सब नहीं। ठीक है, सो इट इज ऑन योर ओन। एंड ऑन योर ओन इस वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हुए रितेश अग्रवाल नाम के एक छोटे से बंदे ने, छोटा सा क्यों, बिकॉज व्हेन ही स्टार्टेड विद द ओयो ही वाज जस्ट 17 ईयर ओल्ड। आपसे भी शायद छोटा होगा, आप कितने साल के हो? 18? चलो गुड, मेजर हो गए हो सब लोग। ओके, तो ओयो जा सकते मतलब। ओके, आज नाउ हाउ द कंपनी इज फाउंडेड। द कंपनी हैज स्टार्टेड विद द 2 होटल्स एंड 10 रूम्स। और आपको शायद नहीं पता, ओयो का ओरिजिनल नाम है ओराविल स्टेज। ये ओयो ओरिजिनल नाम भी नहीं है, ये नाम आने के लिए भी बहुत समय लग गया। सो टाइमलाइन के हिसाब से जाए तो 2011 में फर्स्ट टाइम रितेश अग्रवाल नाम के बंदे को कोडिंग सीखने के लिए और कोडिंग के स्ट्रक्चर्स और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए स्कॉलरशिप मिला था। एट द एज ऑफ 17 फेलोशिप मिला था। द फेलोशिप इज कॉल्ड एज थेल फेलोशिप। और ये $1,00,000 का थेल फेलोशिप, मतलब नियरली 70 लाख का फेलोशिप उसको दिया था फॉरिन यूनिवर्सिटी ने, 17 साल के एज में 70 लाख रुपए। आपको मिलते तो क्या करते? मैं सीए छोड़ देता। उसने क्या किया होगा? सेम चीज, जिस दिन फेलोशिप लगा सेकेंड डे ही वॉज कॉलेज ड्रॉप आउट, कॉलेज छोड़ दिया। एंड ही स्टार्टेड हिज ओन वेंचर नाम नेम्ड एज ओराविल स्टेज, जो इंस्पायर्ड था फॉरेन के कंसेप्ट एयरबीएनबी से। कैसे इंस्पायर्ड था? एयरबीएनबी। एयरबीएनबी सुना है सबने? ओके, तो फॉरेन का कंसेप्ट एयरबीएनबी से। और इस कंसेप्ट को कहा जाता है बेड एंड ब्रेकफास्ट मॉडल। एक बार जोर से बोलो, कौन सा मॉडल? बेड एंड ब्रेकफास्ट। तो ओयो में ब्रेकफास्ट भी एंजॉय करना होता है। हा, समझने में समय लगेगा, लोग सिर्फ बेड एंजॉय करके आते हैं। सो ओयो में क्या एंजॉय करना होता है? देयर इज ब्रेकफास्ट ऑल्सो। सो बेसिकली ओराविल स्टेज इज द फर्स्ट ओरिजिनल नेम ऑफ द ओयो। और 2 होटल और 10 रूम्स के साथ में शुरू हुआ। फैक्ट्स के ऊपर कृपया ध्यान देना, आपको बहुत सारे फैक्ट्स इसमें याद रखने। ठीक है, ओयो ये नाम ओयो को 3 साल बाद मिला 2013 में। आप अभी भी देखोगे तो ओराविल स्टेज इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द ओयो रूम्स और उसी नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड है। ओयो इज द नेम विच इज गिवन इन 2030। तो कंपनी बनाना, कंपनी बनाना, कैन यू सी, कंपनी बनाना कितने साल लग गए? 3। एक बार सब जन बोलो, कितने साल लग गए? 3। मॉर्निंग का समय, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर। ठीक है, सबके हाथ, एवरीवन, लास्ट बेंचेस, डू एक्शन विथ मी, बनाना 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 नहीं बनाना, डू एक्शन विथ मी। क्या बोले एक बार उसे? बना। कितने साल लग गए? 3। वापस से एक बार, क्या? बनाना। कितने साल लग गए? 3।
जोर से बोलो, बनाना कितने साल लग गए? 3। बनाना मतलब फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन, क्या नाम है फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन? सो बनाना कितने साल लग गए? 3। फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन के लिए कितने साल लग गए? 3। मुझे सबके एक्शन दिखने चाहिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वन हु इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस ऑब्वियसली एक घंटे बाद तकलीफ जाएगा। सो एक बार सब जो एक्शन करो, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, बनाना कितने साल लग गए? 3। पर 2 होटल और 10 रूम्स के साथ कितने दिन चलेंगे? अगर आपको ओयो का कंसेप्ट पता होगा तो ओयो ने क्या किया है, एग्जिस्टिंग होटल्स में नए फर्नीचर लगाए हैं, होटल को पॉलिश किया है, उसको बाहर से डेकोरेशन किया है, और उस होटल के साथ में ओयो टैरिफ शेयर करता है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ आना। समझो मेरा होटल है वाव होटल, मेरे को रितेश अग्रवाल ने ऑफर दिया, सर वाव होटल के अंदर हम आपको पूरा होटल चमचमाता कर देंगे, जितने भी ओल्ड लॉजेस थे जिनकी हालत घटिया थी, ओयो ने क्या किया, सब लॉजेस को रिनोवेट किया, डेकोरेशन किया, ऑनलाइन ऑन कर दिया, तो उनको पूरे इंडिया से कहीं से भी बुकिंग आ रहे हैं। इसके लिए पैसा लगता है, इसके लिए क्या लगता है? पैसा। तो रितेश अग्रवाल ओयो के थ्रू गया इन्वेस्टर के पास पैसा मांगने के लिए, और पैसा मांगने के लिए आपको देना पड़ता है प्रोस्पेक्टस। क्या देना पड़ता है बोले एक बार जो से? प्रोस्पेक्टस। सो यहां लिखा है डिमांड फंड्स थ्रू प्रोस्पेक्टस, और इसने 2 इन्वेस्टर पकड़े, फॉरेन इन्वेस्टर है, वन इज कॉल्ड एज लाइट हाउस एंड सेकंड इज कॉल्ड एज डीएसजी, लाइट स्पीड एंड सेकंड इज कॉल्ड एज डीएसजी, ठीक है, 2 इन्वेस्टर्स पकड़े। तो इनसे पैसा बुलाया गया, दैट इज बुलाना। कितने इन्वेस्टर को बुलाया? सब जन बोलो, कितने इन्वेस्टर को बुलाया? 2, एंड रितेश अग्रवाल खुद 3रा। सो 2-3, समझ में आ रहा है? सो यह है बुलाना। एक बार वापस से एक्शन, पहला एक्शन कौन सा था सब जन? एवरीबडी, पहला एक्शन कौन सा था? बनाना। कितने साल लग गए? 3। दूसरा बुलाना, जोर से बोलो क्या? बुलाना। कितने लोगों को बुलाया? 2, और रितेश अग्रवाल 3। सो 2-3, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, लास्ट बेंचेस सबको क्लियर है, बोलो हाँ ना। सिर्फ स्टोरी के साथ बने रहिए आप, ठीक है। सो एक बार वापस से, अगेन अगेन, जितने बार कंसिस्टेंटली करोगे उतना अच्छा है, दिमाग में ये ब्लड में घूमना चाहिए। रेडी सब जन साथ में, क्या है? बनाना कितने साल लग गए? 3, और बुलाया कितना? 2 और 3। कौन कौन इन्वेस्टर थे? लाइट स्पीड और दूसरा कौन सा? डीएसजी। क्लियर है कंसेप्ट? अब इनको बुलाया है तो इन्होंने कैपिटल लगाना चाहिए, सो इन्होंने लगाया कैपिटल। कितना लगाया? लाइट स्पीड और डीएसजी ने मिलकर लगाया 4 करोड़, और रितेश अग्रवाल तब तक के 30 लाख इन्वेस्ट कर चुका था, जो उसको $1 लाख की फेलोशिप मिली थी, उसमें से 30 लाख रुपीज रितेश अग्रवाल क्या कर चुका था? इन्वेस्ट। तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगाया, हम बोलते हैं बिजनेस में पैसा लगाना, ये सुनो, कितना लगाया? 4.3 करोड़। जोर से बोलो 4.3 करोड़। एक बार वापस से सब जन साथ साथ में, रेडी सब जन, एवरीबडी, 1, 2, 3, क्या है बोलो एक बार जोर से? बनाना। लास्ट बेंचेस मेरे को सब लोग दिख रहे हैं, रेडी 1, 2, 3, बोलो क्या है? बनाना। कितने साल लग गए? 3। बुलाया कितने लोगों को? 2-3। लगाना कितना लगाया? 4.3 करोड़। यहां तक आइडिया क्लियर है? अब इससे हुआ क्या, बहुत अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। ओयो ये फंड रेज करने के पहले, 4.3 करोड़ रेज करने के पहले, ओयो के पास मार्च 2014 में सिर्फ 11 होटल्स थे एंड 104 रूम्स थे, बराबर है बोलो हाँ ना। बट डाउन द लाइन जब फंड्स रेज कर लिए 4.5 करोड़ के आसपास, तो ओयो के पास हुए मार्च 2015 एक साल में 85 होटल्स एंड 1500 रूम्स। तो रूम्स बढ़ रहे हैं, इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी साथ साथ में, समझ में आ रहा है बोलो हाँ है ना। सो कितने रूम्स हो गए? 1500। अब आप सिर्फ देखते जाइए कैसा बिजनेस ग्रो हो रहा है। एक बार मुझे वापस से भी एक्शन करके दिखाइए, आपको थोड़ा रिपीटेशन लगेगा, बट इट्स ओके, यू जस्ट स्टे विद मी, ठीक है। सबसे पहले क्या है सब जन बोलो? बनाना। कितने साल लगे? लास्ट बेंचेस 3। दूसरा क्या है? बुलाना। कितने लोगों को? 2-3। 2 इन्वेस्टर, 1 रितेश अग्रवाल, 3, ये सुनो। और क्या लगाया? कैपिटल। कितना लगाया? 4.3। कंसेप्ट समझ में आया? फिर उसके बाद में ओयो का ये ग्रोथ देख के लाइट स्पीड जो इन्वेस्टर था वो और पैसा लेके आ गया, और लाइट स्पीड इन्वेस्टर ने एक और बड़े इन्वेस्टर को लाया जापानीज में, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जिस इन्वेस्टर को कहते हैं सॉफ्ट बैंक। क्या कहते हैं बोले एक बार? सॉफ्ट बैंक। बहुत सारे बच्चों ने नाम सुना होगा, सॉफ्ट बैंक का नाम ही इस हिसाब से कि वो सॉफ्टवेयर और स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करता है। यू वोंट बिलीव 2015 में लाइट स्पीड और जापानीज इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक ने मिलकर ओयो में डाला 730 करोड़ रुपए, नियर टू $120 मिलियन एट द रेट ऑफ 61 रुपीज उस वक्त का, ठीक है। 730 करोड़, कितना डाला? 730 करोड़। जोर से बोलो हाँ। ऐसा नहीं बस इतने इन्वेस्टर थे, इसके साथ में 2-3 इन्वेस्टर्स और थे जिन्होंने नियरली $5 मिलियन डॉलर्स डाला था,
ठीक है, बट वो दो तीन इन्वेस्टर इतने बड़े नहीं थे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेंशनिंग द नेम, आगे आएगा ही आएगा। तो यहां पे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल लोन, अच्छा ऐसा नहीं पूरा 120 मिलियन इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, बोलो हाँ या ना। सो पहला कैपिटल हम लगाते हैं, बाद में हम इन्वेस्टमेंट लोन डिपॉजिट डालते हैं। सो डालना, क्या बोले एक बार, सब अच्छा सोचेंगे जीवन में, ठीक है, सब जन जोर से बोलो, क्या बोलना है, डालना। और कितना कैपिटल डाला सब जन बोलो, 730 करोड़, जोर से बोलो कितना कैपिटल डाला, 730 करोड़। एक बार वापस से आ जाओ, सब जन एक्शन करेंगे, सोने का नहीं है जीवन में, यहां पे रिलैक्स तो बिल्कुल नहीं होने का है। तो मैं पहली बोल रहा हूं तुम्हारे साथ क्या होने वाला, तुमको नहीं पता, रेडी 1 2 3 बोलो क्या है। सबसे पहले बनाना, मेरे को सबके एक्शन दिखने चाहिए, ऊपर जरा हाथ, रेडी 1 2 3 बोलो क्या है, बनाना। कितना साल, 3 साल। कितना लोगों को बुलाया, 2 3। कितना कैपिटल लगाया, 4.3। इन्वेस्टर्स के नाम बोल सकते हो मुझे, लाइट स्पीड और दूसरा कौन सा था, डीएसजी। उसके बाद में क्या आया, कैपिटल डाला गया, कितना कैपिटल डाला गया, कितना डिपॉजिट डाला गया, 730 करोड़। 730 करोड़ से डिजिट पकड़ना है, 73, बोलो हाँ या ना। और कौन कौन थे इन्वेस्टर्स, लाइट स्पीड, सॉफ्ट बैंक, क्लियर है। पर मैंने आपको पहले ही बोला और दूसरे इन्वेस्टर थे, नियरली 2018 तक ओयो में 7 इन्वेस्टर्स जमा हो गए थे। 7 इन्वेस्टर कौन कौन से, सब जन एक साथ नाम पढ़ेंगे, रेडी। सबसे पहला कौन है सब जन बोलो, लाइट स्पीड सबसे बड़ा, सेकंड इज सॉफ्ट बैंक, थर्ड वन इज ग्रैप, चौथा सिकोय, पांचवा डीएसजी, छठवा पीक और सातवा खुद कौन, रितेश। तो 7 इन्वेस्टर्स ने साथ में मिलके, एक बार सब जन बोलेंगे क्या बोलना है, 7 इन्वेस्टर्स ने साथ में मिलके ओयो को और चार्ज किया, ओयो को और क्या किया, चार्ज किया। समझ में आ रहा है। सो 7 इन्वेस्टर्स ने साथ में मिलके ओयो को क्या किया, चार्ज किया। एक बार वापस से स्टार्टिंग से एवरीबॉडी, मेरे को सबके एक्शन दिखने चाहिए, ऊपर हाथ ऊपर, ठीक है, एक ही हाथ नहीं दोनों, दूसरा बिजी है क्या, लेट्स गो। सब जन साथ में क्या है, बनाना, कितने साल लग गए, 3। दूसरा बुलाना, कितने लोगों को बुलाया, 2 3। नाम बोलो दो लोग कौन थे, लाइट स्पीड, कंसेप्ट समझ में आया पक्का, बोलो हाँ या ना। और फिर तीसरा क्या, लगाना, कितना कैपिटल लगाया, 4.3 करोड़। एक्स बिजनेस एक्सपांड हो गया और लोग डिपॉजिट डालने के लिए आ गए, डालना, कितना करोड़ डाला, 730 करोड़। और कितने इन्वेस्टर 2018 में जमा हो गए, 7 इन्वेस्टर साथ में, एक एक्शन एक्शन एक्शन, 7 इन्वेस्टर साथ में कंपनी को क्या कर रहे हैं, 4। कंपनी को क्या कर रहे हैं, 4। एक बार वापस से भूलने के पहले, भूल ना जाए, रेडी। हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, यस और नो, ये रग रग में दौड़ना चाहिए। आज पूरा ओवर स्टोरी घर पे जाके बोलने का कि क्या क्या हुआ, कौन सा वाला जो मैं पढ़ा रहा हूं वो, ठीक है, भरता मत बोल के आ जाना, ठीक है, रेडी। सब जन साथ में, रेडी क्या है, बनाना, कितने साल लग गए, 3। बुलाया कितने लोगों को, 2 3। नाम क्या था, लाइट स्पीड, डीएसजी। उसके बाद में उन्होंने कितना लगाया, 4.3 करोड़ कैपिटल लगाना। फिर कितना डिपॉजिट लोन डाला, 730 करोड़। कौन कौन था, लाइट स्पीड, सॉफ्ट बैंक। टोटल इन्वेस्टर्स कितने हो गए 2018 में, 7 इन्वेस्टर साथ में। और कंपनी को क्या किया, चार्ज, जोर से बोलो कंपनी को क्या किया, अच्छा मुझे बताओ, ओयो इज अ होटल इंडस्ट्री, अरे आया ना, होटल इंडस्ट्री मतलब हॉस्पिटैलिटी, मुझे बताओ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री विदाउट हॉस्पिटैलिटी इन्वेस्टर चल पाएगा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए ना हॉस्पिटैलिटी इन्वेस्टर का। दुनिया का टॉप 5 हॉस्पिटैलिटी इन्वेस्टर आया 8वां इन्वेस्टर बन के, नाम था AR हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस। बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स, बड़े बड़े 3-स्टार 4-स्टार होटल, कुछ न्यूयॉर्क के, कुछ लंदन के, ये सभी होटल्स के अंदर लाइट AR हॉस्पिटैलिटी का इन्वेस्टमेंट है। 8वां इन्वेस्टर, एक बार सब जन बोलो, जोर से बोलो, लास्ट बेंचेस भी, कौन सा इन्वेस्टर है, 8वां। और ये खुद अकेला लेके आया $800 मिलियन, अकेला। बोले ओयो की हॉस्पिटैलिटी मैं देखूंगा, पैसा भी मैं लगाऊंगा, ये लाइट स्पीड वगैरह बाजू हो जाओ, आई एम देयर। 8वां इन्वेस्टर आया मैनेज करने के लिए, क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए 8वां इन्वेस्टर $800 मिलियन लेके, 8वां इन्वेस्टर कितने मिलियन डॉलर लेके, 800। चलो एक बार वापस से, सब जन, आर यू गाइस रेडी, लेट्स गो। सबसे पहले बनाना, कितने साल लग गए, 3। दूसरा बुलाना, कितने, 2 3। लगाया कितना, सॉरी ये डिपॉजिट था, लगाया कितना, 4.3। इन्वेस्टर्स के नाम क्या थे, लाइट स्पीड, डीएसजी, बराबर है, बोलो हाँ या ना। सबको क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं,
फिर बाद में डिपॉजिट डाला, लोन डाला, कितना डाला 730 करोड़, किस किस ने डाला, लाइट स्पीड और सॉफ्ट बैंक, क्लियर है। पर क्या इतने ही इन्वेस्टर थे? नहीं, 2018 में कितने इन्वेस्टर हुए, 7, एक्शन एक्शन एक्शन, 7 इन्वेस्टर साथ में कंपनी को क्या कर रहे हैं, अच्छा चार्ज करो जरा जीवन में क्या कर रहे हैं, अच्छा। और फिर मैनेज करने के लिए हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, नाम क्या था, ARRA हॉस्पिटलिटी, कौन से नंबर का इन्वेस्टर था, 8वां, कितने डाले, 800। सो चीजों को मैनेज करने के लिए, क्या करने के लिए, मैनेज, ठीक है, हम चीजों को कंट्रोल करते हैं ना, सो एक्शन 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 एक्शन, चीजों को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए। 8वां इन्वेस्टर कितने मिलियन डॉलर्स लेके आया, 800। कंसेप्ट समझ में आया, फर्क देखो 8वें इन्वेस्टर के आने का। 2019 में ओयो वॉज द थर्ड लार्जेस्ट होटल चेन इन द वर्ल्ड, कोविड के जस्ट पहले। पर आगे तूफान आने वाला है, कोविड मालूम है ना, तुम कोविड में पास हुए बच्चे हो क्या, है बिना पेपर दिए, कितने लोग कोविड में बिना पेपर दिए पास हुए हैं, मां कसम तुम्हारे जैसा लक चाहिए भगवान ने देना किसी को। सर हम तो चाहते थे सीए भी वैसा ही पास हो जाए, इंस्टीट्यूट कमबख्त, उसने तो एग्जाम ले लिया, आया ना, चलो कोई नहीं। सो ओयो वॉज द 2019 में कैसा था, थर्ड लार्जेस्ट, कितने होटल होंगे भाई साहब, 43,000 होटल एंड 50,000 वैकेशन होम्स। ये कंसेप्ट तुमने जिंदगी में पहली बार सुना होगा, वैकेशन होम, हालांकि रह के आए होंगे, जो अपन ये विला विला बुक करते हैं ना, गोवा जाके विला बुक करेंगे, बीच साइड हिचकोले खाती हुई लहरें, और उस हिचकोलो में कुछ और हिचकोले आ रहे हैं, ठीक है, तो वो विला जो रहता है उसे कहते हैं क्या, बोले एक बार, वैकेशन होम, समझ में आ रहा है। एंड नंबर ऑफ रूम्स, 458,000 रूम्स ओयो मैनेज करा, 2 होटल और 10 रूम से नियर टू 1,00,000 होटल एंड वैकेशन होम एंड 458,000 रूम्स। समय लगता है, 2011 से बंदे ने राह देखी, 2019 में टारगेट अचीव हो रहे हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग। 3 साल तक तो बंदे को नाम भी नहीं पता चल रहा था। तुम दुनिया में कभी भी सबसे बड़ी चीज करने जाओगे ना, 1,000 दिन का कंसेप्ट याद रखना, 1,000 days यू हैव टू स्टे ऑन इट। तुम सीए के बाद प्रैक्टिस भी करना चाहते हो, 1,000 days स्टे ऑन इट, इट विल वर्क। 1,000 days का कंसेप्ट हमेशा काम करता है, 1,000 days, 3,000 days, 6,000 days करते जाना, इट विल ऑलवेज वर्क। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, बराबर। देखो ना, 2011 से 2019 नियर टू 3,000 days यू बिकम द लार्जेस्ट एंटिटी। समझ में आ रहा है सबको, बोलो हाँ है ना, दुनिया के धुरंधर होटल इंडस्ट्री को दिंगाने हो रहे हैं, हाँ है ना। चलो एक बार सभी एक्शन, अपने लिए तो अपने एक्शन काम के, पैसा तो रितेश अग्रवाल को मिल रहा है ना, अपने को क्या मिल रहा, रेडी सब जन साथ में, रेडी एवरीबॉडी, क्या है, बनाना। अब सब तुम बोलोगे, ठीक है, बनाना, कितना साल, 3 साल, बुलाया कितने लोगों, 2-3, ठीक है, कौन कौन, लाइट स्पीड, DSG, समझ में आया, इन्होंने कितना लगाया, एक्शन एक्शन मेरे भाई, एक्शन लगाने की, एक्शन तेरे को पसंद नहीं है, ये एक्शन कर ले बाद में याद आएगी, ठीक है। 4.3 कितना लगाया, 4.3 करोड़, ये देख के बिजनेस बढ़ गया, तो लोग डिपॉजिट लोन डालने के लिए आए, कौन कौन आया, लाइट स्पीड एंड सॉफ्ट बैंक, कितना डालने के लिए आए, 730 करोड़, बोलो आया ना, अरे यस और नो, क्या इन्वेस्टर इतने ही थे, कितने इन्वेस्टर थे, 7 इन्वेस्टर साथ में कंपनी को क्या कर रहे हैं, अच्छा। लास्ट बेंच, सबको समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, इधर कॉर्नर्स में सबको समझ में आ रहा है, इधर वाले सब वॉलपेपर्स दीवार प्रेमी लोग, पक्का समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। उसके बाद में क्या हुआ, मैनेज करने के लिए, क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए 8वां इन्वेस्टर आया, नाम क्या था, RA हॉस्पिटलिटी। 8वां इन्वेस्टर कितने मिलियन लेके आया, 800 मिलियन, और गेम चेंज हो गया, ओयो बिकम द थर्ड लार्जेस्ट एंटिटी। समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। खत्म नहीं हुआ, इसके बाद लग गया कोविड, इसके बाद क्या लग गया, कोविड, फिर मोदी जी आए, मित्रों कल शाम 6 बजे सबने बाहर निकाल के तालियां बजानी है, बोलो हाँ ना, अरे अभी नहीं तब, मित्रों तालियां बजानी है, लोगों ने क्या क्या नहीं बजाया उस दिन,
थालियां बजाई, मैंने एक वीडियो देखा डिश एंटीना बजा रहे थे, डिश एंटीना। गुजरात में लोग रस्ते पे गरबा खेल रहे थे कोविड में, ओ मारे नो। सो कैन यू अंडरस्टैंड, सो कोविड लग गया भाई, और ओयो को एक बहुत बड़ा टेंशन और ड्रॉबैक और सेटबैक आया। कैपिटल तो रेस किया जा रहा था, टोटल कैपिटल 2020 में ओयो ने भाई साहब रेस कर लिया था 1230 करोड़ प्लस 2020 में टोटल कैपिटल। सब जन बोलेंगे कितना रेस किया, 1230 करोड़। पर कैपिटल रेस करना टेंशन नहीं है, टेंशन यह है कि कैपिटल पे डिविडेंड कैसे बांटे। एक्शन एक्शन एक्शन, डिविडेंड कैसे बांट, कितने कैपिटल पे डिविडेंड बांटना है, 1230 करोड़। ठीक है, वाकरो करो सब जन, क्या बांटना, क्या बांटना है, डिविडेंड कितने कैपिटल पे बांटना है, 1230। वापस से सभी एक्शन रेडी, लेट्स गो। सबसे पहले सब जन, एवरीवन, जिसके हाथ नीचे दिखे उसके शादी में पानी आएगा, लेट्स गो। हाँ मैं सच्ची बोल रहा हूं, मैं तुमको, उसका एक्स उसके भाई के साथ भाग जाएगा, लेट्स गो। हाँ सबसे पहले सब जन एक्शन करेंगे, क्या है, बनाना, कितने साल लगे बनाने में, 3। दूसरा बुलाना, कितना, 2-3 पीपल, कौन कौन, लाइट स्पीड डीए लगाना, कितना, 4.3 करोड़। और पब्लिक अट्रैक्ट हुई, उन्होंने क्या लोन डाला, डिपॉजिट डाला, क्या डाला, डिपॉजिट, कितना डाला, 730 करोड़, बोलो हाँ या ना। पर इन्वेस्टर क्या इतने ही थे, कितने थे, 7 इन्वेस्टर साथ में ओयो को क्या कर रहे हैं, 4। पर मैनेज करने के लिए 8वां इन्वेस्टर जरूरी था, 8वां इन्वेस्टर कितने लेके आया, मैनेज करने के लिए 8वां इन्वेस्टर कितने लेके आया, 800 मिलियन। क्लियर है कंसेप्ट सबको, पर टेंशन क्या था, कोविड लग गया तो क्या बांटना है, एक्शन, बांटो बांटो, ठीक, ऐसे नहीं बांटो सब जन, क्या बांटना है, डिविडेंड, कितने कैपिटल पे बांटना है गाइस, 1230। डिजिट सिंपल है, 1 2 3 0, समझ में आ रहा है, 1230 करोड़। क्या इससे सिचुएशन सुधरी, नहीं, कोविड तो 2-3 साल चला, आज तक के रिपरकशन हम देख रहे हैं, बहुत बुरा समय था। तो अगले साल भी 2020 का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओयो ने रिपोर्ट किया, उसमें नेट लॉस ओयो ने बुक किया अकाउंट क्लोजर पे, 12,800 करोड़ से लेके 13,100 करोड़ का, डिपेंडिंग ऑन नॉन कैश एक्सपेंडिचर कितना, डिप्रिसिएशन वगैरह, क्योंकि डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर ना, क्लियर है। सो नेट कैश लॉस 12,800 करोड़, टोटल लॉस 13,100 करोड़। सो अकाउंट क्लोजर पे, अकाउंट, वो बचपन में पीटी करते थे याद है, सो अकाउंट क्लोजर, समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, कितना लॉस हुआ अकाउंट क्लोजर पे, 12,800 करोड़, जोर से बोलो 12,800 करोड़। समझ में आया, क्या डिविडेंड बांट पाएगा अकाउंट क्लोजर पे, नहीं, क्लोज करना, 12,800 करोड़ का लॉस क्लोज किया भाई ओयो ने, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। वापस से एक्शन, सवेरे का समय पीटी करनी है, ठीक है, बचपन में तुम उसी के लिए याद रहा देखते थे ना, वो तो पसंद नहीं आता था, क्या बवासीर लग रहा, बोलो हाँ है ना, पर जब ये आए मजा आ रहा है यार, चलो बहुत बढ़िया, लेट्स गो अगेन, 1 2 3, क्या है, बनाना, कितना, तुम बोलोगे मैं नहीं, बनाना कितना, लाइट स्पीड एंड डीएस, क्या डाल रहे, डिपॉजिट लोन, ठीक है, किसी और को एक्शन करके दिखाओ तो बोलना, ठीक है, सो डालना क्या, डिपॉजिट लो, किसने डाले, लाइट स्पीड सॉफ्ट बैंक, क्लियर है कंसेप्ट, क्या इतने इन्वेस्टर थे, वो लोग क्या कर रहे हैं, पर इसे मैनेज हो रहा है क्या, हॉस्पिटलिटी कंपनी, कौन, कौन से नंबर का इन्वेस्टर था, 8वें नंबर का इन्वेस्टर मैनेज कर, कितने मिलियन डॉलर लेके आया, 800। बाद में लग गया कोविड,
तो ओयो की लग गए। और कितना कैपिटल रेस करके बैठा था? 1230 करोड़। इसके ऊपर क्या करना है, क्या बांटना है? डिविडेंड। पर बांट सकता है क्या? क्योंकि 2020 में अकाउंट क्लोज करने, क्या क्लोज करने पे? अकाउंट। कितना लॉस बुक किया? 12,000। समझ में आ रहा है? नहीं आया, एक और बार करेंगे अपन, ठीक है? एक बार वापस से ना, तुमको समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, इसलिए तुम सिर्फ फोकस करो, ठीक है? रेडी, 1 2 3 बोलो, क्या बोलो? किधर सर, फास्ट बोलो। लाइट स्पीड, डीएसजी। लाइट स्पीड में भी मेरे को एक्शन चाहिए, मेरे को यहां से दिख रहा है येलो टी शर्ट, ठीक है, ब्लू टॉप, और जो बनान पे बैठा नालायक, लेट्स गो। हाँ, सो फोकस, बनाना कितना? 300। बुलाना 2 3। लाइट स्पीड एंड डीएसजी कितना लगाया? 4.3। डालना 730 करोड़। कौन कौन? लाइट स्पीड, सॉफ्ट बैंक। कितने इन्वेस्टर हो गए? 7 इन्वेस्टर 7। क्या कर रहे हैं? 6। मैनेज करने के लिए कौन सा इन्वेस्टर आया? 8। कितना मिलियन डॉलर लेके? क्या करने के लिए? मैनेज। पर टेंशन बढ़ गया क्योंकि कोविड लग गया। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना था? डिविड। कितने करोड़ पे? 1230 करोड़। क्लियर है सब सबको? हाँ ना। आखिरी अकाउंट हमने क्लोज किए, डिविडेंड बांट नहीं सकते क्योंकि लॉस हो गया 12,800। सबको तमद में आला है? पक्का तमद में आला है? नेक्स्ट लास्ट स्टेप, अभी अभी का रिव्यू क्या है? कोविड से ओयो उभरा नहीं, फिर अभी तो 2023 के फिगर नहीं है क्योंकि अभी बन के आएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ऑडिटेड। ऑडी, तुम जिंदगी में आगे जाके क्या बनने वाले हो? ऑडिटर। ऑडिटर, ऑडिटर ये वो आवाज है जब तुम कंपनी में घुसोगे, क्योंकि तुम ऑडी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी दिख रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी -139% था एवरेज, माइनस रिटर्न ऑन इक्विटी। बात समझ रहे हो तुम? ठीक है, 139% काय का? ऑडिटेड। जोर से बोलो, काय का? ऑडिटेड। ऑडिटेड मतलब चेक किया, ऑडिट मतलब क्या किया? चेक किया। सो एक बार वापस से, आर यू गाइस रेडी? सब जन, केस स्टडी चल रहा है अच्छे से, सब फैक्ट्स याद चाहिए मेरे को। रेडी? सबसे पहले क्या है? बना कितने साल? 3। दूसरा बुलाना 2 3। कौन कौन? लाइट स्पीड, डीएस। कितना लगाया? 4.3 करोड़। फिर बाद में बाकी लोग डालना, कितना डाला? 730। कौन कौन? लाइट स्पीड 100। क्या इतने इन्वेस्टर से? नहीं। कितने? 7 चार्ज कर रहे, पर मैनेज करने के लिए चाहिए था। कौन सा इन्वेस्टर? 8वां। कितने लेके आया? 800 मिलियन। नाम क्या था? आरए हॉस्पिटलिटी। पर इससे टेंशन बढ़ गया क्योंकि कोविड लग गया, क्योंकि क्या करना था? बांटना था। क्या बांटना था? डिविडेंड। कितने पे? 1230 करोड़। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? पर क्या बांट सकते थे? क्योंकि अकाउंट क्लोजर पे कितना लॉस हुआ? 12,800 करोड़। और पिछले 2 साल का ऑडिटेड, ऑडिटेड चेक करना, नेट रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आया? -139%। पर क्या ओयो इससे डाउन हुआ? ओयो ने फिर भी खुद का बिजनेस जो एक्सपांड किया था वो करता रहा। ऑब्वियसली कोविड ने बहुत बड़ा हिट लिया, पर ये कोविड के पहले के फिगर से मैं अभी के भी बताऊंगा। ओयो वॉज हैविंग 43 properties, 1 million rooms across 800 cities of 81 countries. कितने कंट्रीज में? 81। मुझे बताओ इंडिया में कंपनीज का कंसेप्ट चलता है? बोलो हाँ या ना। बाहर LLPs, LLC का कंसेप्ट चलता है? तो LLP के फॉर्म में बोलो, क्या बोलना है? LLP के फॉर्म में कितने कंट्रीज? 81 कंट्रीज। LLP के फॉर्म में कितने कंट्रीज? 81। और साथ में उन्होंने कुछ फॉरेन कंपनीज भी खोली, ठीक है? कितने, कौन सी कंपनी खोली? फॉरेन। ऐसा कहा जाता है जैसे फेसबुक का इंडियन वेंचर को कहा जाता है, अभी तो मेटा नाम हो गया, मेटा के इंडियन वर्जन को कहा जाता है मेटा इंडिया लिमिटेड, रजिस्टर्ड कंपनी है मेटा इंडिया। Amazon के इंडियन वर्जन को कहा जाता है Amazon इंडिया लिमिटेड। समझ में आ रहा है? वैसे ही ओयो के ओरावेल स्टेज लिमिटेड को उस कंट्री के नाम से नियरली 379
कंपनीज ओयो ने ओपन किए थे अक्रॉस द वर्ल्ड, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से. 379 कितने, जोर से बोलो, 379 क्या ओपन किए थे, फॉरेन कंपनीज. जोर से बोलो, क्या ओपन किए थे, फॉरेन कंपनी. और एलएलपीज कितने कंट्री में, 81 कंट्रीज में. समझ में आया, जिसके वजह से ओयो को, जिसके वजह से ओयो को ऑल ओवर दुनिया से इंडिया छोड़ के नेट रेवेन्यू आता था $490 मिलियन का सिर्फ आउटसाइड रेवेन्यू. $490 मिलियन का कौन सा रेवेन्यू, आउटसाइड, फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में आता था. डॉलर में आ रहा है मतलब फॉरेन एक्सचेंज ही आ रहा है ना, बोलो आया ना. सो फॉरेन एक्सचेंज कितना आ रहा है, 490 मिलियन डॉलर, जिसके लिए अप्रूवल लगता था सीजी और आरबीआई का. जिसके लिए अप्रूवल लगता था किसका, सीजी आरबीआई. मुझे तो कंट्रीज कितने हैं, 81, और फॉरेन कंपनीज कितने थे, 379. जोर से बोलो, फॉरेन कंपनी कितने, 379. चलो आ जाओ वापस, दिस इज द लास्ट पार्ट. हा नाउ आई विश कि आप यहां पे लगे रहो, ठीक है, ऑन सीरियस नोट, अच्छे से लगे रहो. जितने एक्शंस और जितनी चीजें बोली है वो सब याद रखो, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट एकदम शांति से, ठीक है, सीरियसली. हर बंदा एक्शन में चाहिए, हर बंदे ने खुद के सेंसेस और पूरी ताकत लगानी है सब याद करने के लिए, ठीक है. आई विल गिव यू समथिंग बेटर, ठीक है, लेट्स गो. बुलाना, दो तीन, कौन कौन, लाइट स्पीड डीएस, लगाना 4.3 crores, डालना, क्या डाला, डिपॉजिट लोन, कौन कौन, लाइट स्पीड सॉफ्ट, कितना, 730 करोड़, कितने इन्वेस्टर, सात इन्वेस्टर, सात, क्या कर रहे हैं, चार, सात इन्वेस्टर साथ में क्या कर रहे हैं, चार. पर इसे मैनेज हो रहा है क्या, नहीं मैनेज. करने के लिए कौन सा इन्वेस्टर आया, आठवां, कितने मिलियन डॉलर्स लेके, 800 मिलियन डॉलर लेके. पर बाद में कोविड लग गया तो ओयो का टेंशन बढ़ गया, क्योंकि ओयो को क्या करना था, बांट, कितने पे बांटना था, 1230 करोड़, ठीक है, सब फिगर्स बोलिए सब, ठीक है. पर बांट सकता था क्या, नहीं, क्योंकि अकाउंट क्लोजर पे लॉस बुक किया, कितना, 12,800 करोड़. और पिछले दो साल का ऑडिटेड, पिछले दो साल का ऑडिट है, कितना, -139%. पर ओयो हारा नहीं. कितने कंट्रीज में एलएलपी बनाई, 81, और कितने फॉरेन कंपनीज बनाए, 379, जिससे टोटल फॉरेन एक्सचेंज कितना आ रहा है, $490 मिलियन, जिसके लिए अप्रूवल किसका लगता है, सीजी और आरबीआई. कंफर्म, कंफर्म, पक्का, सबको याद है, पक्का याद है. एक और बार लूज हो जाओ, एक और बार छोड़ूंगा, तोड़ेंगे पर छोड़ेंगे नहीं. लेट्स गो, आर यू गाइस रेडी. जिन्होंने फर्स्ट इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया, यू हैव दिस लास्ट चांस, ठीक है, टू रिमेंबर एवरीथिंग, पुट योर ऑल एफर्ट्स इन दिस, ठीक है, पुट योर ऑल एफर्ट्स, हाँ, आई एम टेलिंग यू, पुट योर ऑल एफर्ट्स, ठीक है. बनाना, तीन सा, बुलाना, दो तीन, नाम छोड़ दो, लगाना 4.3 करोड़, डाला कितना, 730 करोड़, सात इन्वेस्टर साथ में, चार, आठवां इन्वेस्टर 800 मिलियन डॉलर लेके क्या करने आया है, मैनेज. क्लियर है कंसेप्ट. बांटना कितने पे है, 1230 करोड़, नहीं बांट सकते, क्यों, क्योंकि अकाउंट क्लोजर में कितना है, 12,800 करोड़ का लॉस. और ऑडिटेड, क्या ऑडिटेड, कितना, -139%. फिर भी कितने कंट्रीज में एलएलपी खोले है, 81. कितने फॉरेन कंपनीज खोले है, 3 से. और नेट फॉरेन एक्सचेंज कितना आ रहा है, 490 मिलियन, जिसके लिए अप्रूवल किसका लगता है, पक्का याद हो गया सबको, कंफर्म याद हो गया, 100% श्योर हो, बोलो हाँ या ना, पक्का, एवरीबॉडी इज रेडी, श्योर, फिर भी जोर से आवाज दो मेरे को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. एवरीबॉडी इज रेडी, आर यू श्योर, अगेन आई एम आस्किंग, आर यू श्योर. पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, सब कुछ छोड़ दो, रिश्ते नाते मोह माया जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सब छोड़ दो, ठीक है, मुझे सिर्फ पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए. रेडी, पूरा ध्यान सिर्फ बोर्ड पे चाहिए. आर यू गाइस रेडी. चलो, सबसे पहले मैंने वर्ड क्या बोला था, बनाना, बनाना, हिंदी वाला, हाँ, तो कहना है इसे, बनाना इज अ फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन. बोलो हाँ या ना. कितने साल लग गए थे बच्चों, बराबर है. चलो, दूसरा क्या था, सब जन बोलो, एक्शन करते रहो, सोने का नहीं. दूसरा क्या था, बुलाना. क्या देके बुलाया था, प्रोस्पेक्टस देके बुलाया था, बोलो हाँ या ना.
कितने लोगों को बुलाया था? दो तीन, दो इन्वेस्टर, तीसरा रितेश अग्रवाल। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डैश निकाल दो बीच में से चलेगा, चलो 23। फिर कितना लगाना? कैपिटल लगाया ना, तो शेयर कैपिटल लगाया होगा। कितना लगाया? 4.3। डॉट निकाल दो चलेगा, चलो डॉट निकाल देते अपन। फिर कितना डाला इन्वेस्टर ने? कितना डाला? तो डिपॉजिट और लोन के फॉर्म में डाला। कितना डाला? 730 करोड़। जीरो निकाल दू चल जाएगा? निकाल देंगे फिलहाल के लिए, याद तो है ना तुमको वैसे भी, तो जीरो निकाल देते हैं। उसके बाद में सात इन्वेस्टर साथ में मिलके क्या किया? चार जोन असेट किया होगा, बोलो हाँ या ना। सात इन्वेस्टर कैसे मिलके? साथ में मिलके चार जोन असेट किया होगा। आठवां इन्वेस्टर मैनेज करने के लिए आया था, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए आया था। कितने मिलियन डॉलर लेके आया था? 800। जीरो निकाल दू चल जाएगा, ओके। फिर टेंशन आ गया, कोविड लग गया, क्योंकि क्या बांटना था? डिविडेंड बांटना था। डिविडेंड क्या करना था? बांटना था। कितने कैपिटल के ऊपर? 1200। जीरो तो हम पहले से नहीं गिन रहे ना। फिर क्यों नहीं बांट पाए? क्योंकि अकाउंट क्लोजर, अकाउंट्स ऑफ कंपनी है ना, वो क्लोज किया तो कितने करोड़ का लॉस था? 12800। जीरो तो हम वैसे ही नहीं गिन रहे ना। और फिर ऑडिट किया तो क्या पता चला? पिछले 2 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटीज -139% निकाल दिया, निगेटिव निकाल दिया। फिर भी ओयो हारा क्या? नहीं। ओयो ने क्या बनाया? फॉरेन कंपनी बनाया। कितने बनाया? 370। और कितने कंट्रीज में एलएलपी बनाया? 81। और कितना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करना पड़ा? 490 मिलियन। मैं आपको सिर्फ ओयो की स्टोरी नहीं, सभी चैप्टर्स के सेक्शन याद करवा रहा था कि एक्चुअली सिलेबस में क्या है। दिस इज योर सिलेबस ऑफ लॉ, और ये सब पढ़ने के लिए तुमको लगेगा नियरली 90 लेक्चर्स। सबको समझ में आया? इसलिए मैं तब से बोल रहा था, बनाना बुलाना ध्यान से करना, क्लियर है? अब वापस एक्शन करोगे ईमानदारी से? सबको समझ में आ गया? सर क्या हो गया? एक मिनट रजिस्टर करने के लिए दो। दिस इज योर सिलेबस। इसमें सीजी अप्रूवल, आरबीआई अप्रूवल, जनरल क्लॉजेस एक्ट वाले हैं जो मैंने नहीं लिखा, और ये पूरा लॉ पढ़ने के लिए लगता है तुमको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, वो दो चैप्टर अलग से याद रखना, क्लियर है? एक बार सब लोग एक्शन, अब करोगे एक्शन ईमानदारी से? अब लग गई होगी ना, अरे भगवान मैं कहां था आधे घंटे से। चलो, आर यू गाइस रेडी? अब कैसे आए लाइन पे है? सिलेबस बोला तो सब लाइन पे आ गया। सज्जन वापस से क्या है? बना कितने साल? बुलाए दो तीन, आठवां इन्वेस्टर मैनेज करने के लिए 800 मिलियन डॉलर। कितने पे डिविडेंड बांटना है? 1230 करोड़। पर बांट सकते हैं? नहीं। लॉस कितना? अकाउंट क्लोज 12800 करोड़। और उसके बाद में लास्ट 2 इयर्स का रेवेन्यू ऑडिटेड 139%। ओयो रुका, कितने एलएलपी कंट्री में? 81 कंट्री। और कितने फॉरेन कंपनी? 379। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और नेट रेवेन्यू कितना? 490 मिलियन डॉलर। अब बस ये आपको चैप्टर्स याद हो गए। कैन आई राइट 3 से लेके 22? क्योंकि नेक्स्ट 23 से है ना। कैन आई राइट 3 से लेके 22? बोलो हाँ या ना। कैन आई राइट 23 से 42? बोलो हाँ या ना। कैन आई राइट 43 से 72? तो नेक्स्ट वाला तुम बोल दो। 73 से लेके 76, शानदार। इसमें ए ऐड कर दो सिर्फ, ठीक है? फिर 77 से लेके, जोर से बोलेंगे सब लोग, 87। उसके बाद में 88 से 122, 123 से जोर से बोलो 127, 128 से 138, और टोटल सेक्शन जो तुम्हारे सिलेबस में है कंपनीज एक्ट के 148, फॉरेन कंपनी एक्सट्रोडक्चर 379 से अलग से याद रखना 393, एलएलपी में सेक्शन 1 से 81, फेमा में 1 से 49, ठीक है?
एडिशनली आपका सीजी अप्रूवल और आपका आरबीआई अप्रूवल कौन से एक्ट में है? जनरल क्लॉजेस एक्ट। और ये सब पढ़ने के लिए एक और टॉपिक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। आ गया सिलेबस समझ में? ओयो का केस स्टडी समझ में आया? जोर से बोलो हाँ आया ना। पर मैंने तुमसे झूठ बोला, मेरे को कुछ झूठ बोलना पड़ा सिलेबस समझाने के लिए। पर ज्यादा झूठ नहीं बोला। कौन सा झूठ बोला, पूछो कौन सा? ये 379 वाला नंबर बनाया हुआ है, ऐसे कोई 379 फॉरेन कंपनी नहीं थे, ये तो तुमको सेक्शन याद करवाने के लिए बोला। समझ में आया? तो इसको भूल जाने का, बाहर जाके चिल्लाने का नहीं कि वो उन्होंने 379 कंपनी बनाए थे। समझ में आ रहा है? बाकी नियरली सब फिगर्स जैसे के वैसे है, ठीक है? आइडिया क्लियर है मैं क्या कर रहा हूं? समझ में आया? लास्ट बेंचेस एवरीबॉडी क्लियर? इधर लास्ट बेंचेस सबको समझ में आया? दिस इज एवरीवन सब फर्स्ट, बीच वाले मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात सब क्लियर है? अब काम करना है एक और, पूछो क्या। लाइव स्ट्रीम में समझ में आया का सब बोलेंगे, एक बार कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। अब काम करना है, सब लिखना है, ठीक है? पूरा ओरियो का स्टोरी लिखना है, चैप्टर्स कैसे लिखने हैं वो मैं आपको बताऊंगा ईमानदारी से। ये स्टोरी जैसा का वैसा याद रखना। अच्छा रह गया ना, रह गया सर, आपने इतना सारा जिंदगी में बताया, आज तो बताओ ओयो कहां स्टैंड होता है, ठीक है? देख लो पहले, आराम से लिखेंगे अपन, कोई घाई नहीं अपने को, ठीक है? कोई जिंदगी में घाई नहीं। ओके, सो दीज आर द राइट नाउ इन्वेस्टर्स इन ओयो। मैंने जितने आपको नाम बोले थे इसके अंदर आपको देखेंगे। देखो अभी फर्स्ट नंबर का इन्वेस्टर भी चेंज हो गया है, इट इज SVF इंडिया होल्डिंग्स। दिख रहा है सबको फर्स्ट वन? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? SVF इंडिया होल्डिंग, इसने आर्य हॉस्पिटलिटी को भी पीछे छोड़ दिया। आर्य हॉस्पिटलिटी 800 मिलियन लेके आया था 24% स्टेक के लिए, ये ऊपर से और इन्वेस्टर आ गया 46% स्टेक के लिए। नीचे खुद रितेश अग्रवाल 8% रख रहा है, दिनेश रामामूर्ति इज फाइन, इट्स ओराविल स्टेज के एम्प्लॉइज ईसॉस ESPS में जो बांटे, हमें ईसॉस ESPS का कंसेप्ट है, स्वेट इक्विटी शेयर्स का जो एम्प्लॉइज को बांटे, वी विल लर्न देयर, सेक्शन नंबर 54। फिर मैंने बोला था सिकोइया, यस नो, सात इन्वेस्टर्स, देन लाइट स्पीड, A1 होल्डिंग्स, स्टार वेंचर्स, Airbnb एंड सॉफ्ट बैंक जो था, दिख रहा है? आई गेस सॉफ्ट बैंक ने खुद का इन्वेस्टमेंट जब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में बना था उस वक्त डाइल्यूट कर दिया, क्योंकि उसके बाद उसके कोविड के केसेस की वजह से उसको लग रहा था हमने इन्वेस्टमेंट नहीं रखना चाहिए। आज के डेट में कोविड की वजह से ओयो 81 कंट्रीज में नहीं है। अगर आप ओयो का ओरिजिनल ये देखोगे, कैन आई से वेबसाइट, ओयो रूम्स का ओरिजिनल वेबसाइट अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आया कि ओयो इज नॉट ऑन द 81 कंट्रीज। पहले था कोविड के पहले, पर कोविड के वजह से उसको कर्टल डाउन करना पड़ा बहुत सारे कंट्रीज से। सो इफ यू विजिट द फर्स्ट पेज ऑफ द ओयो इटसेल्फ, ठीक है, सीधा बुकिंग नहीं करना है अपने को, ठीक है, ध्यान देना। सो इट इज इन 35 कंट्रीज राइट नाउ, ठीक है? कितने कंट्रीज में है? 35, क्योंकि कोविड का एक बहुत बड़ा सेटबैक ओयो को बैठा हुआ है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो सर ना। ये चीज को याद रखना, नेट ओयो का वैल्यूएशन $1.8 बिलियन है, रितेश अग्रवाल ही हिमसेल्फ इज स्टैंडिंग एट $1.1 बिलियन पर्सनली, ठीक है? मतलब अब उसके स्टेक के हिसाब से ये मैच नहीं होता, बट नॉर्मली किसी भी एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप का वैल्यूएशन वो कितने कंपनीज में और इन्वेस्ट करता है इससे भी है। तो रितेश अग्रवाल हैव अदर इन्वेस्टमेंट्स आल्सो, ठीक है? पर याद रखिए बच्चों, जिंदगी में बहुत कुछ भारी करने का है ना, तुमको ये तपस्या है। आप देखिए नियरली उसने क्या क्या झेला। पहले 3 साल तक को होटल का नाम नहीं था, फिर उसके बाद में 2 होटल 10 रूम्स के साथ में शुरू किया। 2013 के बाद में इन्वेस्टर्स के पीछे पड़ना पड़ा, कब जाके इन्वेस्टर ने 2-3 साल बाद इन्वेस्ट किया, पर एक बार कंसेप्ट चला तो इन्वेस्टमेंट पोर होती गई कंसिस्टेंटली, ठीक है? ओयो बिकम्स अ यूनिकॉर्न वेंचर, वन ऑफ द टॉप यूनिकॉर्न वेंचर्स ऑफ द इंडिया। कंसेप्ट से यूनिकॉर्न पता है ना आपको? हाँ है ना, स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न कैटेगरी में जाने के लिए बहुत मशक्कत लगती है। क्लियर है कंसेप्ट? सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ओयो। अभी अपन इसको लिखेंगे अच्छे तरीके से, हर स्लाइड को अच्छे से कोट करेंगे, सो दैट केस स्टडी भी कंप्लीट हो जाए, स्टोरी भी याद आ जाए। क्लियर है कंसेप्ट? स्टार्ट हो जाओ। ऐसा का ऐसा लिखना है टाइमलाइन पे, ठीक है? जितने फैक्ट्स दिए हैं सब अच्छे से, सो दैट कभी अगर आप भूलो भी तो भी स्टोरी याद करके आपको सब याद आना चाहिए। गो फॉर इट फास्ट। रजिस्टर बनाया है नहीं बनाया है? सर लाइव स्ट्रीम में सवाल आया, बैंक ने लोन डाला, मतलब बैंक ने डिपॉजिट डाला, लोन डाला, उसमें इक्विटी भी डाला था, बट हमें चैप्टर याद करना था डिपॉजिट्स एंड लोन, तो मैंने डिपॉजिट और लोन बोला है, ठीक है? सवाल था आर्यन का, ठीक है? और भी कोई क्वेरीज है आप पूछ सकते हो? एनीवन विद द क्वेरी इन द फेस टू फेस ऑल्सो दे कैन ऑल्सो आस्क मी।
बुक्स आज या कल में डिस्पैच हो जाएगी बेटा। अमंता, अच्छा फास्ट लिखने वाले थोड़े से स्लो लिखना, स्लो लिखने वाले थोड़े से फास्ट लिखना, नहीं तो सर आगे लो पीछे लो ऊपर लो नीचे लो। ओके, डू यू नो एयरबीएनबी? नॉर्मली जब आप अभी तो आपने कदा जिंदगी में आई गेस विला बुक नहीं किया होगा, बट एयरबीएनबी इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेबसाइट फॉर बुकिंग द लग्जरी विलाज और स्टे होटल्स। ठीक है, सो आप आज भी विजिट कर सकते हो, होमवर्क में देख सकते हो व्हाट इज airbnb.com। आपको काफ़ी सारे अच्छे विलाज और होटल वहाँ मिल जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किसको लेके जा रहे हो। जो 200 पेजेस का रजिस्टर मैंने बोला उसी में लिखना है बेटा, ठीक है, एक ही रजिस्टर कैरी करना है, डोंट वरी। क्वेरी देखो सर, लॉसेस की वजह से इंसॉल्वेंट नहीं बना गया? नहीं बेटा, नॉर्मली स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलते रहता है, इंसॉल्वेंसी दो चीजों की वजह से आता है, एक तो लॉसेस साथ में लिक्विडिटी क्रंच, पर ओयो में लिक्विडिटी क्रंच कभी नहीं था, बार बार कैपिटल आता गया, जब तक पहिया रोटेट हो रहा है लिक्विडिटी आने से बिजनेस चल रहा है तब तक आप इंसॉल्वेंट नहीं होंगे। सर नोट्स क्लास फीस में इंक्लूड है क्या? नहीं बेटा, उसके लिए अलग से 10-15 करोड़ लगेंगे। ऑब्वियसली नोट्स क्लास फीस में इंक्लूड है बेटा। सर लेक्चर कितने होंगे? 90 लेक्चर्स, 180 आवर्स। क्लास का शेड्यूल क्या रहेगा? एवरीडे मॉर्निंग 8:30। सर संडे को भी क्लास लोगे क्या? अभी तो नहीं बोलूंगा पर बाद में लूंगा। मैं क्लास नहीं, मेन क्लास नहीं हो रहा है क्या? मेन ही क्लास है बेटा, रेगुलर बैच है। जीडी में भी यही न्यू लेक्चर्स होंगे, डोंट वरी। एकत्व में ऐप के ऊपर लेक्चर नहीं चल रहा है प्रणय, फिलहाल यूट्यूब पे चलेगा, ऐप के ऊपर बाद में हम लेक्चर अपलोड करेंगे तब आप देख सकते हो। सर टाइमिंग क्लैश हो रही है तो आप जिनसे हो रही है उनका जीडी ले लीजिए या फिर मेरा जीडी ले लीजिए। लिंक कब मिलेगा? कौन सा वाला? अच्छा वेबसाइट का। वेबसाइट का लिंक कब मिलेगा बेटा? ekatvamacademy.com है, उसके ऊपर जाइए और अगर आपने लेक्चर परचेस किए हैं तो आपको मैसेज आ जाएगा। नियरली पहले 5 to 10 लेक्चर्स यूट्यूब पे ही है। चलो ये स्लाइड हो गया है सबका? एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना, पक्का हो गया है सबका? चलो बहुत बढ़िया। ये नहीं, ये लिखना है आपको कि टाइमलाइन पे जाते हो सीधा? जितना काम कम कराओ उतना अच्छा सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसलिए लिखने में थोड़ा स्पीड इधर उधर हो सकता है, तो कृपया साइड वाले के कॉपी में देख के लिखना अगर रह गया तो, मतलब उसने लिखा होगा तो। सर बच्चों को देखने का मन कर रहा है? कौन से कैमरा में? एक दिन में दिखाऊंगा कैमरा घुमा के, आज बेटा आज मुश्किल है थोड़ा। YouTube पे पहले 5 से 10 लेक्चर होंगे। मुकेश वो वाला नहीं रहे।
5 बेनिफिट वाला बैच यस जरूर मिलेगा। ओयो अभी लॉसेस में जा रहा है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है बिकॉज दे आर सीरियस ऑन एक्सपांशंस, क्योंकि पहले जो 81 कंट्रीज में था उसी टारगेट को वापस मीटअप करने की कोशिश कर रहा है वो। सर बहुत मजा आ रहा है क्लास में, पता नहीं क्यों, डिपेंड है आप कैसे बैठे हो। लाइव स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनेगा, फेस टू फेस के स्टूडेंट्स का भी एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनेगा, लाइव स्ट्रीम और जीडीपीडी के स्टूडेंट्स का भी एक ग्रुप बनेगा, डोंट वरी, जस्ट गिव सम 5-6 डेज, आपको सब चीजों के ग्रुप्स के लिंक मिल जाएंगे। ओके चलो डन एवरीबॉडी, सेकंड स्लाइड सबका हुआ है, एवरीवन यस और नो? लाइव स्ट्रीम इज ऑलवेज बेटर, कभी भी। ओके सेकंड स्लाइड इज गो, लास्ट बेंचेस, सेकंड स्लाइड सबका हो गया है, इधर कॉर्नर्स, सेकंड स्लाइड डन एवरीबॉडी, पक्का? अरे बोलो, चलो गुड। थर्ड स्लाइड, अनुष्का नोट्स का शिपमेंट बेटा शुरू हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर, आज या कल, पहले वैसे भी 2-4 लेक्चर में आपको नोट्स नहीं लगेंगे और सॉफ्ट नोट्स हमने ऑलरेडी नीचे लिंक में अपलोड कर दिए हैं। ₹61 पर शेयर इज द रेट ऑफ डॉलर, ठीक है, ₹61 पर शेयर नहीं है वो, ₹61 पर डॉलर है, ठीक है, उस हिसाब से इसके पहले के स्लाइड में था वो, ₹61 पर डॉलर के हिसाब से $120 million बिकम्स दैट इज 730 crores। बेस्ट बेटा सीए जर्नी, बेस्ट ऑफ लक, डू वेल। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस हुआ, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट आपने शेयर किया है,
अगर ये निगेटिव है इसका मतलब कैपिटल इरोजन हो रहा है, मतलब कैपिटल के पैसे बर्बाद हो रहे हैं, प्रॉफिट कुछ कमाया नहीं जा रहा. व्हेन इट इज निगेटिव दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटी. आपको रिटर्न ऑन इक्विटी फाउंडेशन में हुआ होगा कि नहीं? ठीक है, इट्स ओके, नॉट एन इश्यू, आप पूछ सकते. चलो ये स्लाइड हो गया है बच्चों सबका, बोलो हाँ या ना. अब बेसिक आपको ये तीन ही स्लाइड लिखने हैं, ठीक है? ओके. अब ये तीन स्लाइड लिखने के बाद में नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाने के पहले, चैप्टर्स लिखने के पहले मुझे कुछ चीजें आपको डिक्लेयर करनी है, ठीक है? मैंने पढ़ा तो दिया आपको, ठीक है? नाउ लेट्स थिंक. वो भी हम चार्ट भी लिखेंगे, उसके लिए भी हम समय देने वाले, आज ही लिखने वाले, डोंट वरी. चैप्टर की लिस्ट आज बन जाएगी, ठीक है? पर उसके पहले मुझे कुछ समय देना. रीजन इसके पीछे ये है, कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है सो दैट हमारी बैच अच्छे से चलते रहे. मैं बताऊ चलूंगा, बोलो हाँ या ना. एवरीबडी यस और नो, सो दैट आपको समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है? सो प्लीज दो मिनट के लिए रिक्वेस्ट है, 5 मिनट्स के लिए सब अच्छे से सुनिएगा. ओके, आई गेस हाँ. ओके. अब हम 90 लेक्चर्स में आपके साथ क्या करने वाले हैं? चैप्टर लिस्ट हम आज ही याद कर लेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ हाइलाइट्स बताने हैं हमारी बैच किस प्रकार हो गया. पढ़ा तो दिया, समझ में आया पढ़ा तक कैसे हो, बट यू शुड नो फॉर 90 लेक्चर्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सबसे पहली बात, ऑब्वियसली 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, 200% आएगी. नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू जितने के स्टडीज है वो मैं आपको प्रेजेंट करूंगा. दूसरी बात, लास्ट बैच का रिव्यू है, लास्ट जो लास्ट हुई वो वी हैव सॉल्वड नियर टू 250 क्वेश्चंस इन द क्लास एंड होमवर्क. मैं आज ही बोल दूं आपको, ठीक है? दो क्वेश्चन डेली बेसिस पे क्लास में सॉल्व करेंगे प्रॉपर आंसर राइटिंग फॉर्मेट में, एंड 3 क्वेश्चन डेली होमवर्क रहेंगे, जिसको करने के लिए आपको डेली नियरली हाफ आवर टू 45 मिनट्स लगेंगे. ये थ्रू आउट द लेक्चर होगा, जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक ही मंत्र है सीए इंटर पास होने का, लिखोगे तो पास देखोगे. एक बार सब जन बोलो क्या बोलना है? लिखोगे तो पास देखोगे. क्लियर है कंसेप्ट? थर्ड थिंग, इसके एडिशन में आपके नियरली 7 टेस्ट होंगे, 10 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हम चैप्टर कैसे डिवाइड करते हैं. 2 50 मार्क्स के टेस्ट होंगे, हाफ सिलेबस के 100 मार्क का. 4 नवंबर 4th of November 2023 का जो पेपर अपियर होगा नवंबर एग्जाम के लिए, वो 20th नवंबर को 100 मार्क्स का पेपर हम हमारे क्लास में सॉल्व करेंगे. ऑब्वियसली 2-3 चैप्टर इधर उधर है न्यू सिलेबस में, पर 80% पेपर सेम है. अगर हम वो सॉल्व कर पाए तो हम मानेंगे कि क्लास का कुछ फायदा हुआ. क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना. नेक्स्ट वाला, पूरे के पूरे 148 सेक्शंस इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये सभी सेक्शन आपके टंग पे रहेंगे. मतलब आप इसको 25 नवंबर को मेरे से ये तो ब्लाइंड वादा ले जाओ, पिछले 8 साल से सब बच्चों को याद है नियरली, ठीक है? नेक्स्ट 80+ ई फॉर्म्स आर्टिकलशिप में जो आपको काम में आने वाले हैं वो भी आपके टंग पे रहेंगे, लास्ट बैच में ऑलरेडी थे. 2 मेडिटेशन सेशंस होंगे और हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर एक सेशन, मतलब एक मेडिटेशन सेशन एक हेल्थ और सेफ्टी का, क्योंकि आपको आज सही लग रहा है सब. यही जब 15-20 दिन हो जाएंगे, खाने पीने के हाल हो जाएंगे, 11 घंटे तुम क्लास करोगे 2 घंटे होमवर्क करोगे, तो तुमको खुद के जिंदगी से नफरत होना शुरू हो जाएगी, फाउंडेशन में जो नहीं हो रही थी, ठीक है? तो वो चीज को क्योर करने के लिए वी विल हैव दिस. सबसे आखिरी एक करियर गाइडेंस सेशन होगा, और इसके भी एडिशन में जो मैंने वादा किया, लॉ विल बी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. समझ में आ रहा है? आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस 6 सब्जेक्ट में लॉ के ऊपर ही रहेगा, ठीक है? पर ये सब वादों में मुझे आपसे 2 वादे चाहिए, 2 या 3, अभी फिक्स नहीं किया, अभी कर रहा हूं. पूछो कौन से? देखो बच्चों, लास्ट जितने बैचेस के रिव्यू में उसके हिसाब से बोलता हूं. मैं किसी के खिलाफ निगेटिव नहीं बोलूंगा क्लास में फर्स्ट, पर मैं ये बोलूंगा, मार्केट में बहुत सारे जगह पे बहुत सारे चैप्टर्स जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, नहीं करते हैं उनकी मर्जी, बैच जल्दी खत्म करते हैं उनकी मर्जी. मैं मेरी बैच आराम से पढ़ाऊंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक पढ़ाऊंगा. कोई भी मेरे ऊपर बैच खत्म करने का प्रेशर नहीं बनाएगा, सर मतलब आप कब तक पढ़ाओगे? जब तक 30th नवंबर आपको लास्ट डेट दिया है, 1st दिसंबर से आपके नए क्लासेस शुरू होने वाले, 30th नवंबर को सिलेबस आपके हाथ में रहेगा विथ टेस्ट सीरीज विथ ऑल दीज वादे. पर मेरे को प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई प्रेशराइज मत करना कि सर उधर तो 10 चैप्टर हो गए तुम्हारे 5 ही हुए. हो सकता है उधर 10 छोटे चैप्टर हुए हो और इधर हमने 5 सबसे बड़े चैप्टर निपटाए हो जिसका वेटेज सबसे ज्यादा हो. समझ में आ रहा है?
इट मेक्स अ डिफरेंस. तुम कितने जल्दी खत्म करते हो उससे बेटर यह है कि तुम कितना अच्छे से खत्म करते हो. ये तो पुढ़े पाठ मागे सपाट मराठी में महण है. अरे मतलब नालायक लोगो, ठीक है. तो कोई मेरे को प्रेशराइज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के सबसे. तुम्हारा सिलेबस 30 नवंबर को विथ क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस इवन रिवीजन में तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, ठीक है. पर मेरा खुद का स्टाइल है टीचिंग का, ठीक है. मैं उसको 8 साल से 10 साल से फॉलो कर रहा हूं और मैं प्रेशर में बिल्कुल नहीं रहना चाहता. मैं फ्री रहूंगा, छुट्टियां बिल्कुल नहीं दूंगा आपको. मैं यहां तक बोल रहा हूं 19 तारीख परसों मेरे सगे साले की सगाई है. सगे साले की सगाई है मॉर्निंग 8:30 बजे, समझ रहे हो प्रेशर समझ. पर फिर भी मैं छुट्टी नहीं दे रहा. तो तुम इससे समझ जाओ कि मेरी जब तक मरने की हालत नहीं रहेगी ना तब तक मैं क्लास में रहेगा. और सेम अप्लाइज टू यू, तुम्हारी जब तक मरने की हालत ना हो ना तुम क्लास में चाहिए. तुम बीमार हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, कुछ तो भी करके ये दरवाजे तक आ जाओ. वो कबड्डी में ऐसे हाथ डालते ना लाइन पे, वैसे दरवाजा डालूंगा, खींच लूंगा अंदर, डोंट वरी, ठीक है. पर कोई प्रेशर नहीं बनाएगा. ये मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं. सिलेबस का टेंशन तुम्हारा, लॉ का टेंशन मेरा, बे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये पहली चीज. बाकी किधर कितना खत्म हो रहा है मेरे को उससे कोई लेन देन नहीं. मैं कैसे पढ़ा रहा हूं और तुम क्या सीख रहे हो मुझे उससे तक मतलब है, बस, ठीक है. ये पहली चीज समझ में आए. दूसरी चीज, अपने बारे में बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव बोलेंगे. कुछ लोगों ने काउंसिलिंग में सुना भी होगा. इट्स ओके, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. मैं पॉजिटिव ही बोलूंगा मेरे बारे में, सबके बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट के सामने मैं किसी के बारे में नेगेटिव बोल के गलत एग्जांपल सेट करूं. बात खत्म. मैं चाहूंगा जिंदगी में हर बार तुम लड़ो तो पॉजिटिविटी से लड़ो, नेगेटिविटी से कोई नहीं लड़ेगा. तो मैं नहीं बोलूंगा. बाकी कितना भी कुछ भी बोले मेरे को कभी मत पूछना सर तुम्हारे बारे में इसने ये बोला तो ये हुआ, तिल लेने गया, कौन सा वाला मेरे को नहीं पता. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. सबसे आखिरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं देखता हूं कि बच्चे कम होते हैं. 10% अब्सेंट थी, 20% अब्सेंट थी. इस वजह से हमने लाइव स्ट्रीम निकाल दिया है. 30% लेक्चर बैकअप आपको मिलेगा. 30% लेक्चर बैकअप का मतलब है 90 में से कोई भी 60 घंटे, 30 लेक्चर मतलब 60 घंटे. उस 60 आवर्स में आप कितने भी लेक्चर्स जो भी आपके मन के देख सकते हो. एक लेक्चर 60 बार देखो, या 30 लेक्चर एक बार देखो, या 10 लेक्चर 3 बार देखो. 30 लेक्चर्स का आपको बैकअप है. क्यों रखा है? क्योंकि आपकी हेल्थ खराब है, कभी कोई घर पे फंक्शन है, बीकॉम की एग्जाम है, उस वजह से रखा है. पर आपकी जिम्मेदारी, आपने फेस टू फेस में आना है. तुम बस मेरे सामने आ जाओ, दैट्स ऑल, ठीक है. मैं जो करना है आपके साथ कर दूंगा. अच्छा, समझ में आ रहा है? सो ये 3 रूल सबको समझ में आ गए पक्का? एवरीवन एग्रीज टू दिस? बोलो हाँ या ना. स्पीड मेरे ऊपर छोड़ दो. 12 साल से पढ़ा रहा हूं, 12 इयर्स, एक तब खत्म हो गया मेरी जिंदगी का, ठीक है. और अब तो सीए फाइनल में लॉ भी नहीं रहा, तो सिर्फ सीए इंटर में तुम और मैं बचे. तो बहुत एनर्जी है, समय भी बहुत है, तो पूरा आपके ऊपर खर्च करूंगा, ठीक है. क्लास के अंदर इसके एडिशन में आपको ऑडियो रिविजन्स मिल जाएंगे टाइम टू टाइम, ठीक है. चैप्टर खत्म होने पे आपको बुक्स मिल जाएंगे. 2-3 सरप्राइजेस है, वो सरप्राइज ही रखेंगे, वो जब आएंगे तब देख लेना, ठीक है. वो सभी के लिए सरप्राइज होगा. कंसेप्ट आमरस ने बे, आमरस सरप्राइज है के जीवन में. और दिसंबर में कौन आमरस देता है नवंबर में? ऐसे कौन से आम खा रहे हो तुम? लेट्स गो. चलो, ये समझ में आया पक्का? बोलो डील, जोर से बोलो डील. पर ये मैं कंफर्म बोलता हूं, 30 नवंबर आप मेरे को बोल के जाना कि आपको क्या लगा. चाहिए तो मुंह पे गाली, मुंह पे मत देना, सॉरी, पीठ पीछे देख रहा हूं, ठीक है. आगे स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना. अब सवाल ये है कि मैंने आपको चार्ट बताया ये वाला, पर ये ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है. मैं एक बार इसको लिख के दिखाऊं, पर लिखेगा कोई नहीं, मैं सिर्फ लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है. आज आपका पूरा ध्यान एक केस स्टडी और पूरा सिलेबस पे ही रहेगा, ठीक है. क्योंकि अगर ये याद हो गया ना, मुझे एक बार बताओ, 148 सेक्शन याद करने आपको? ऐसा चाहिए आपको कि आपके टंग पे होने चाहिए? एवरीबॉडी वांट्स दिस, बोलो हाँ या ना. सिंपली तुम्हारे सामने दो पेपर लिखे, दो आंसर पेपर, एक में सेक्शंस लिखे, एक में नहीं लिखे, मार्क्स किसको मिलने वाले? तो सबको 148 याद करने हैं. तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. मैं क्या कर रहा हूं उसके ऊपर भरोसा रखो, दैट्स ऑल, ठीक है. मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि लिखना कैसे है. सबसे पहले तो स्केल लेने का, जो आधी पब्लिक ने लाई नहीं होगी और थोड़ी देर बाद बोले ये देना रे, ये देना प्लीज, देना ये देना, ये प्लीज रे, ये देना रे, ठीक है. ओके, स्केल लेने का, मस्त पेज के ऊपर एक इंडेक्स बनाने का है. अभी मत करो, मत करो, होल्ड, आई विल गिव यू टाइम, क्योंकि उसके भी पहले एक प्रोसेस करने का है, ठीक है.
ओके, आर यू गाइस रेडी? एक बात आपने याद रखना, जो 200 पेजेस का रजिस्टर मैंने बोला है, मेरे को वो बेतहाशा खूबसूरत चाहिए, हसीन। कैसा चाहिए? हसीन। तुम्हारी शक्ल कैसी भी हो, रजिस्टर मेरे को कैसा चाहिए? खूबसूरत, कि कोई देखे तो जेरोक्स मांगे, और इसी के थ्रू तुमको नंबर भी मिल सकता है किसी का। द ओल्ड टेक्निक इन द बुक्स, बुक्स मांगो नंबर ले लो, बोलो हाँ या ना। सो कृपया ध्यान रखना मैं कैसे लिख रहा हूं। मेरी हैंडराइटिंग कतई पथेटिक है, फिर भी मैं सीए है, तो एक लेसन आज लर्न कर लो, हैंडराइटिंग से फर्क नहीं पड़ता। सो लेट्स स्टार्ट। सीरियल नंबर कोई नहीं लिखेगा, जस्ट वेट। नेम ऑफ चैप्टर, सिर्फ प्रॉम्प्ट करने में ध्यान देना, एंड सेक्शन रेंज। सेक्शन का बोले एक बार जो से रेंज। चलो, आर यू गाइस रेडी? बच्चों आर यू गाइस रेडी? सब जन मुझे डिक्टेट करेंगे क्या है क्या नहीं है। रेडी? लेट्स गो। चल, सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन नंबर वन, सॉरी चैप्टर नंबर वन। अब पहले चैप्टर का हमने सेक्शन याद नहीं किया, मैं खुद लिख दूं, प्रिलिमिनरी। और मेरी स्पेलिंग्स के ऊपर बिल्कुल मत जाना, बहुत बेकार है। मैं एक ही वर्ड एक ही लेक्चर में पांच अलग टाइप से लिख सकता हूं, टैलेंट है। ठीक है, तो तुम्हें स्पेलिंग आते ही, ये मैं अज्यूम करता हूं। चैप्टर वन, सेक्शन नंबर वन एंड टू, ठीक है, ये तुम्हारा फाउंडेशन में हो गया होगा ऐसा मेरे को लग रहा है, पर चेहरे देख के अब बिल्कुल नहीं लग रहा, तो हम इस भी चैप्टर को कवर करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम कंपनी का डेफिनेशन, सब चीज पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर टू क्या था बोले एक बार? ब ना ना, नाम बोलो क्या है? फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलो सेक्शन नंबर बच्चों? कितने साल में बनाना? जोर से बोलो, कितने साल में बनाना? 3 साल से लेके 22। सेक्शन नंबर थ्री से लेके सेक्शन नंबर कौन सा? 22। फिर उसके बाद में कौन सा है? तीन। क्या था बोलो एक बार? बू ला ना। कौन सा चैप्टर है? प्रोस्पेक्टस। अभी इस चैप्टर का मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एंड का बोले एक बार? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, सेक्शन बोलो, सब जन सेक्शन बोलो, कितने लोगों को बुलाया था? 2-3। सब जन एक बार एक्शन कर लो, तुम थोड़े से भसक गए हो। रेडी? चलो वापस एक बार एक्शन, फटाफट। रेडी? 1-2-3 बोलो, क्या है? बनाना। कितने साल? 3 साल। बुलाना कितने? 2-3। कितना लगाया? 4.3 करोड़। कितना डाला? 730 करोड़। 7 इन्वेस्टर 7। क्या किया? अच्छा, आठवां इन्वेस्टर कितने लेके आया? $800 मिलियन। उसके बाद में क्या करना पड़ रहा है? बांटना। कितने कैपिटल पे? 1,230 करोड़। पर बांट सकते हैं क्या? नहीं। अकाउंट क्लोजर पे 12,800 करोड़ का लॉस है। एंड ऑडिटेड, क्या ऑडिटेड रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? -139%। कितने कंट्रीज में एलएलपी? 81। कितने फॉरेन कंपनीज? 379। फॉरेन एक्सचेंज 490। कुछ याद आया सबको? चलो अब मुझे फटाफट बोलो, प्रोस्पेक्टस में कौन सा सेक्शन है बोले एक बार? बुलाया, कितने लोगों को बुलाया? 2-3 से आई विल राइट 42, क्योंकि अगला 43 से चैप्टर शुरू हो रहा है। फिर बनाना, बुलाना, चौथा कौन सा है? लगाना। क्या लगा रहे हैं? कैपिटल। सो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर कितना लगाया? 4.3 से कहना है राइट 72। यस, क्योंकि अगला चैप्टर कहां से शुरू हो रहा है? 73। उसके बाद में फिफ्थ वाला, सब जन बोलेंगे डा ल ना। क्या डाला? डिपॉजिट्स। ठीक है, इसका नाम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है। सो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा एक्सेप्टेंस। ठीक है, कंपनी ने एक्सेप्ट करना है। कहां से कितना डिपॉजिट डाला? 730 करोड़ से लेके 76A। क्लियर है कंसेप्ट? फिर उसके बाद में कितने इन्वेस्टर? 7 इन्वेस्टर। 7 में क्या कर रहे हैं? चार्ज। सो चार्ज करना, सो आई विल डायरेक्टली राइट चार्जेस ऑन असेट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाला, सेवंथ चैप्टर, कितना इन कौन सा इन्वेस्टर था? 8वां। कितने लगाए? 8। क्लियर है? और 122 तक, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर कहां से बोले एक बार? 123। सो दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है,
उसके बाद में बांटना, बांटना क्या बांटना है, डिविडेंड। जोर से बोलो, क्या बांटना है, डिविडेंड। समझ में आ रहा है, कहां कितना बांटना, कितने पे, 1230 करोड़ से लेके 127। उसके बाद में 10 क्या था, अकाउंट क्लोज करना, अकाउंट क्या करना, क्लोज। सो दैट इज अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, अकाउंट्स ऑफ क्या बोलो एक बार, जो से कंपनी कौन, कितने लॉस था कंपनी के अकाउंट्स में, 12,800 करोड़ से लेके मैं लिख रहा हूं 137। और सबसे आखिरी चैप्टर 11वां, सॉरी नंबर चेंज हो गया के बीच में, 4, 5, 6, 7, 8 रह गया, मैं वही बोलू, हाँ, सो दिस इज 8, 9, 10, दैट इज कौन सा बोले एक बार, चेक करना, चेक करना, दैट इज क्या बोले एक बार, जो से ऑडिट, कहां से कितना रिटर्न ऑन इक्विटी था, 139 से लेके लास्ट सेक्शन कितने है अपने को, 148। तो मैं 470 सेक्शंस में से 148 सेक्शंस एप्लीकेबल है पहले 10 चैप्टर में। 11वां चैप्टर कितने फॉरेन कंपनीज खोले, जोर से बोलो फॉरेन कंपनी, ये नया चैप्टर नए सिलेबस में ऐड हुआ है, हाँ नए सिलेबस का चैप्टर है, 379 एंडिंग सेक्शन में बोल रहा हूं, 393 एंडिंग सेक्शन क्या है बोले एक बार, 393। आई विल जस्ट मूव, सो एंडिंग सेक्शन इज 393। उसके बाद में कितने LLPs खोले, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट तुम्हारा फाउंडेशन में हुआ है 2008 वाला, बोलो हाँ या ना, कितने LLPs खोले, 81 कंट्रीज में LLP। और लास्ट वाला चैप्टर दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, 1999 वाला लॉ है ये, CA फाइनल पे हुआ करता था, इसको उठा के स्ट्रेट अवे CA इंटर पे डाल दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 49, सो 49 ये ऑब्वियसली 1 से 81 एंड 1 से 49 है। इसके एडिशन में आपको कौन सा चैप्टर है, जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है, एंड जनरल क्लॉजेस एक्ट के बाद में 15 इंटरप्रिटेशन। मैं जनरल क्लॉजेस एक्ट का ईयर भी अभी लिख दूंगा 2 मिनट में, एक बार उसमें अमेंडमेंट आया मुझे सिर्फ चेक करने दो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ठीक है, सो जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इसके सभी सेक्शंस आपको एप्लीकेबल नहीं है, नॉट ऑल से, एक्चुअली इंटरप्रिटेशन में तो सेक्शंस ही नहीं है, वी कैन ओनली राइट नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, मेन मेन जो डेफिनेशन है CGRBI ये आपको एप्लीकेबल है। हाँ ये भी बोल दूं कि LLP और FEMA में से भी सब एप्लीकेबल नहीं है, पर LLP और FEMA के सेक्शन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट्स व्हाई अपन ने कोट करके रखे। दिस इज योर इंडेक्स, दिस इज योर क्या बोले एक बार, उसे इंडेक्स, यहां तक समझ में आया पक्का, जोर से बोले सुनो, सो ये लिखना है आपको, हाँ पर लिखोगे नहीं, बुक बंद, सबकी बुक बंद, ठीक है, पहले इसको याद करेंगे। अगर आपको 148 सेक्शंस आपके टंग पे चाहिए सीरियस लेवल पे, तो व्हाट इज नेसेसरी कि इंडेक्स और स्टार्टिंग एंडिंग सेक्शन पूरा याद चाहिए, ठीक है, ये अगर आपको याद हो गया तो 148 सेक्शंस की जिम्मेदारी मेरी है, ई फॉर्म्स की भी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन ये वाला एरिया है ना, ये मेरे को आज याद चाहिए, मैंने आज कुछ नहीं पढ़ा है मेरे को नहीं फर्क पड़ता, पर अगर आज ये याद हो गया ना तो हमारा एक अचीवमेंट अनलॉक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा जिंदगी में हमने कभी किया ही नहीं है। सो अभी हम क्या करेंगे, मैं एक बार इसको वापस से याद करवाऊंगा, फिर तुम लोग एक दूसरे से डिस्कस करके एक दूसरे को उसको याद करवा दोगे अगले 10 मिनट में, फिर मैं इसको पर्सनली पूछूंगा किसी से भी, लास्ट बेंचेस को खास करके, ठीक है, जिसको नहीं आया मैं उसके बाजू वाले को खड़ा कर दूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी बाजू वाले की है याद करवाने की, तो अगर तुमको किसी से बदला लेना है तो बोलना मत उस वक्त, ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, पर मेरे को अभी ये याद चाहिए, मैं एक बार वापस से याद करवा दूं, प्रिलिमिनरी सेक्शन नंबर कौन सा है, 1 एंड 2, उसके बाद में फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन बनाना कितना, 3 से लेके 22, मेरे को अब एंडिंग भी चाहिए, अभी तक सिर्फ स्टार्टिंग याद था, मेहनत अपने को एंडिंग पे भी करनी है, ठीक है, उसके बाद में बुलाया कितने लोगों को, 2, 3 से लेके 42, क्लियर है, फिर लगाया कितना, 43 से लेके 72, डाला कितना, 73 से लेके 76A, चार्ज कितना किया, 77 से लेके 87, क्लियर है, फिर मैनेज कितना किया, 88 से लेके 122, कितने पे डिविडेंड बांटा, 123 से लेके 127, अकाउंट्स 128, क्लोज करना 128 से लेके 137, एंड ऑडिट 138 से लेके 148, LLP में टोटल सेक्शंस 81, FEMA में टोटल सेक्शंस 49, जनरल क्लॉजेस में सेक्शंस की जरूरत नहीं है, इंटरप्रिटेशन में सेक्शन ही नहीं है। आइडिया क्लियर है सबको, जोर से बोले यस और नो, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली, लास्ट बेंचेस क्लियर है कॉर्नर्स,
मैं क्या कह रहा हूं सबको क्लियर है? आपको मैं यहां से देता हूं, भले ही डेमो लेक्चर है डजंट मैटर, पर याद होना बहुत जरूरी है, मैं यहां से दे रहा हूं आपको 10 मिनट, आपको डिस्कस करना है डिस्कस करो, मारना एक दूसरे को, पीटना है जलाना है, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को याद चाहिए। दूसरी बात, याद करने के कुछ टेक्निक्स बोल दूं, ये टेक्निक्स थ्रू आउट द क्लास याद रखने, थ्रू आउट द क्लास याद रखने, गौर से सुनना, ठीक है? हाथ की कटोरी करो, कान के पीछे लगाओ और गौर से ये टेक्निक सुना, सबने, ठीक है? जिसने नहीं किया पंडित जी के साथ उसका वाला भाग जाएगा। हाँ, सो बहुत अच्छे से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। याद करने का पहला टेक्निक, बेस्ट वन, आंखें बंद करो और सीधा याद करने की कोशिश करो। आंखें बंद, प्रिलिमिनरी कितना है, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन कितना है, शेयर कैपिटल डिबेंचर कितना है, प्रोस्पेक्ट है। जो नहीं याद आ रहा वो सिर्फ इस चार्ट में देखो, ये चार्ट अगले 10 मिनट तक आपके सामने रहने वाला है, तो आप उस चीज के ऊपर वर्क कर रहे हो जो याद नहीं आ रहा। नहीं तो तुम क्या करते हो कि सब पढ़ना शुरू, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन पढ़ना का है कोई, याद करने का टेक्निक है पूरा, आपको याद करके लिखना है ना, हाथ कर दिया नीचे तो चल जाएगा, बहुत प्रेशर में पकड़े रखे, ठीक। सो सबसे पहले पहला टेक्निक क्या है, आंखें बंद, सब रिवाइज करो, जो याद नहीं आ रहा सिर्फ वो देखो, गेम ओवर, ठीक है? दूसरा टेक्निक, रफ में खुद लिख के देखो, बंद आंखें नहीं हो सकती तुम्हारी, आंखें बंद करके कोई याद आता है, इट्स ओके, रफ पेज लो पीछे का, लिख के देखो, समझ में आ रहा है? जो नहीं याद आ रहा है उसको देखो, वापस लिखो। तीसरा टेक्निक, बाजू वाले को याद करवा दो, जब तुम किसी और का भला करते हो खुद का अपने आप, समझ में आया पक्का? हाँ है ना, जोर से बोले सर नो। 10 मिनट आपके पास है, शुरू हो जाओ, ठीक है? और मैं घूम रहा हूं पूरे क्लास में, ठीक है? मेरे को सब जन वर्क करते हुए दिखने चाहिए, तुमको अब पता चलेगा कि दर्शन सर कितना पर्सनल अटेंशन देंगे, इतना दूंगा जितना उसने भी नहीं दिया होगा। और कोई फेयर लिखने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है? जब तक हम पूरा याद करके ही फेयर करेंगे, ठीक है? गो फॉर इट फास्ट, लाइव स्ट्रीम में भी सब लोग 138, अच्छा मैंने 139 लिखा क्या? ओह माय मिस्टेक, इट्स 138 इंटरनल ऑडिट, इसके पीछे एक्चुअली 138 के पीछे रीजन आई विल टेल, 138 इज ए इंटरनल ऑडिट जिसको मैं नॉर्मली ऑडिट में गिनता हूं, इट्स माय मिस्टेक बट एनीवेज डोंट वरी। 139% तो 139 से लेके 148 परसेंटेज हमने रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए याद किया था, बट दिस इज सेक्शन नंबर ना। अकेले याद कर रहे हो तो रफ में लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करो। ओके, पढ़ते वक्त लग रहा होगा सब याद आ गया, अब जब रफ में खोला तब लग रहा होगा कि क्या हो गया। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रिमेंबरिंग एंड राइटिंग। ओके,
फेयर कोई नहीं करेगा, जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, कोई फेयर नहीं करेगा, ट्रस्ट मी ऑन द प्रोसेस, ठीक है? अरे कितने लोगों को याद हो गया है? एक को भी नहीं? फेमा इज 49 सेक्शंस, ठीक है? 490 मिलियन याद रखने का। अच्छा ऊपर ट्रैक करूं, इसके नीचे आपका सिर्फ फेमा आएगा विच इज 49 सेक्शन, बाद में फिर दोनों में तो सेक्शन ही नहीं है, ठीक है? सिर्फ नाम है, ठीक है? अच्छा फेमा का पूरा नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ईयर कौन सा है? 1999। अच्छा ईयर याद रखना कंपलसरी है, हाँ? कंपनीज एक्ट का ईयर पता है ना? 2013। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 19 बोला, मैं जान ले लूंगा। सेल ऑफ गुड्स 1930 या 1830 एंड पार्टनरशिप, चलो गुड। सभी ईयर्स याद चाहिए अपने को, कल कंपनीज एक्ट का पूरा हिस्ट्री आने वाला है, ठीक है? तो उसमें और ईयर्स ऐड होंगे। तुमने अभी तक पढ़ा होगा कंपनी मीन्स अ कंपनी और पिछले सब कंपनीज वाले, है ना? 1866 है तो कल उसका हिस्ट्री आएगा। चलो बहुत बढ़िया, लाइव स्ट्रीम में भी आंसर आ रहे हैं श्रीनिवास, गुड वन। लाइव स्ट्रीम में कितने लोगों को याद हुआ प्लीज कमेंट। बाजू वाला पहचान का हो ना हो डिस्कशन शुरू कर दो, ठीक है? उसके शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना डिस्कस करोगे उतने जल्दी याद होगा। जितना आवाज करना है करो, पर मेरे को सब याद चाहिए और आवाज अच्छा वाला। जम रहे चार्जेस ऑन अ सेट। आई
आठवां इन्वेस्टर आठ पे आया ना, ठीक अच्छा एक बात, कंपनीज एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने हैं? 470, अपने को सिर्फ 148 है। 29 चैप्टर से कंपनीज एक्ट में, अपने को सिर्फ 11 चैप्टर अप्लीकेबल है कंपनीज एक्ट के। बचे हुए चैप्टर फाइनल पे सेल्फ पेस मॉड्यूल में आपको आएंगे। आर्टिकल शिप में जो चार सेल्फ पेस मॉड्यूल है उसमें एक कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉ कंपल्सरी है। तो 149 से लेके 470 एक्सक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, क्योंकि फॉरेन कंपनी भी यही आ गया ना, तो वो छोड़ के सब तुमको फाइनल पे आने वाला है। तो ये मत घर पे लेके जाना कि 148 ही चाहे, मजा आ गया, वाह 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 वाह, ठीक है, और भी है। और हम पढ़ते वक्त कई सारे फाइनल्स के सेक्शंस का रेफरेंस लेंगे, क्योंकि उसके सिवा हो नहीं पाएगा अपना, ठीक है। चलो कीप ऑन, इधर सब याद हो गया सबको, चलो कीप ऑन डूइंग। एक बार रफ में लिखो, 10 बार रफ में लिखो, पर याद आज ही चाहिए मेरे को किसी भी हाल में। मैं किसी को भी पर्सनली मेरे को आज लाइव स्ट्रीम में भी सबने याद करने हैं कंपल्सरीली, ठीक है। लाइव स्ट्रीम में किसी को डिस्कशन करने के लिए कोई नहीं मिला तो तकिया चद्दर फर्नीचर मॉम डैड भाई बहन सबके डिस्कस करो। क्या याद करने दे भाई, वो याद हो गया नहीं हुआ क्यों? मैं खिड़की इतना बाहर पे गेला, डिस्टर्ब केला था। इधर क्या स्टेटस सबको याद हो? बोलो
इस साइड से सबको याद हो रहा है? स्पीक अप, हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है धीरे धीरे, चलो गुड। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी डन? कि सभी के सभी याद, गुड। अब जितने लोगों ने हाथ रेस किया है वो इसी, जितने लोगों को याद हुआ ऐसा लग रहा है इसी चार्ट को उल्टा लिखेंगे, क्योंकि मैं तब मानूंगा आपको याद हुआ है जब आप रिवर्स में भी सब सही लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में तो चैप्टर वन का क्वेश्चन पहले, फिर चैप्टर टू का क्वेश्चन, फिर चैप्टर थ्री का, ऐसा तो नहीं होगा ना? ठीक है, इट विल बी एट रैंडम, है ना? सो रिवर्स में लिख के देखो, जिसको लग रहा है रिवर्स। ऑब्वियसली इंटरपे सेक्शन का इंपॉर्टेंस है, आर्टिकल शिप में भी है, दैट्स व्हाई हम याद कर रहे हैं। क्लास यूट्यूब पे पहले 5 से 10 लेक्चर्स, चलो लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे बच्चों को हो गया, शानदार। सृष्टि, चेतना, रुजबान, अक्षित, ऋषभ, अमोल, आर्या, सानिका, भावना, वैभव, ऋतुजा, सरिता, गुड, मुकेश, श्रीनिवास, दुष्यंत, वेरी गुड। जितने लोगों का हो गया बहुत अच्छा, जिनको लाइव स्ट्रीम में याद हुआ है कृपया पूरा चार्ट रिवर्स लिखिए, डिस्कशन करिए, याद करिए। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये लेक्चर May 24 के लिए अप्लीकेबल है, November 24 के लिए विद अमेंडमेंट। चलो बहुत बढ़िया, सुमित, मुकेश, अरुण, अमीर, ओके, जिनको याद नहीं हो रहा उनको एक और टेक्निक बोलू क्या, चलेगा? चलो ये टेक्निक से याद नहीं हो रहा तो और एक टेक्निक बोलू, चलेगा? एवरीबॉडी बोलो हाँ या ना। अभी टेक्निक एकदम फालतू है पर इट विल वर्क, ठीक है? लेट्स डू दिस। 3, 3, 23 में भी 3 है, 43 में भी 3 है, 3, 3, 3, 3, 73 में भी 3 है, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 तारा। बोलो एक बार सब जन, क्या बोलना है? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 77, 88 गाना याद है? 3, 3, 3, 3, 3, 3 तारा, 77, 88 बारह की शो की 3 टिकटें है, बोलो बारह की शो की 3 टिकट। 128 में दिलाऊं, कितने रुपीज में दिलाऊं? 128, समझना मुझको ऐसा वैसा, मेरे बटवे में है पैसा, कितना? 139, ठीक है? सो एक बार वापस गाना बोलो, जिनको याद नहीं हो रहा उनके लिए, क्या है? 3, 3, 8, 3, 3, 3, 3 तारा, 3, 23, 43, 73, 77, 88 बारह की शो की 3 टिकटें है, कितने में दिलाओ? 128, समझना मुझको ऐसा वैसा, मेरे बटवे में कितना पैसा, ठीक है? बाकी 81 कंट्रीज, 490 मिलियन का प्रॉफिट, ये भी टेक्निक काम आया तो भी ले लेना, ठीक है? दोनों दे दिया, फालतू वाला अच्छा वाला, ठीक है? अच्छा अच्छा ये ले लो, चलो गो फॉर इट फास्ट, 5 मिनट्स मोर मैक्स, वर्क ऑन योर टोज। सर भूख लग गई, ओके, कितने लोगों को याद हो गया? रेज रेज योर हैंड्स, कम ऑन फास्ट, चलो गुड, कम ऑन फास्ट, करते रहो, लगे रहो। सर लिखने में इजी लग रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, एग्जाम लिखने का ही है, बोलने का नहीं है बेटा, इट्स नॉट ओरल, इट्स राइटिंग। अच्छा सोचो रे नाला को।
चलो डन, बोलो हाँ है ना, ओके कोई बात नहीं, अगेन क्लोज योर बुक्स फर्स्ट, ओके नाउ विल डू विद मी, ठीक है सब जन साथ में एक साथ बोलेंगे, उल्टा सीधा सही सब 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 एक साथ कर लेंगे, आर यू गाइस रेडी, आर यू गाइस रेडी, हाउ इज द जोश इन क्लब, साइमन लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या है बोले एक बार, बनाना, सेक्शन नंबर कौन सा है, 3 से लेके 22, दूसरा बुलाना, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कहां से कहां तक, 23 से लेके 42, शानदार, तीसरा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर लगाना, कहां से कहां तक, 43 से लेके 72, समझ में आ रहा है, नेक्स्ट वाला चैप्टर डालना, क्या डालना है, डिपॉजिट लोन डालना है, कहां से कहां तक, 73 से लेके 76 ए, आई वॉन्ट एवरी वन वोकल, ठीक है, उसके बाद में क्या है, चार्जेस ऑन असेट, सात लोग साथ में, 77 से 87, आठवें इन्वेस्टर ने कितना पैसा डाला, क्या करने के लिए, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 88 से लेके 122, डिविडेंड 123 से लेके 127, उसके बाद में अकाउंट्स 12,800, सो 128 से लेके 138, एंड ऑडिट 139 148, टिन टिना टिन 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 तारा, 3 23 43 73 77 88, 12 के शो की 3 टिकट है, 128 में मेरे बटवे में कितना पैसा है, 139, एलएलपी में कितने सेक्शंस है, 81, और फॉरेन कंपनी में कितने सेक्शंस है, 49, जनरल क्लॉजेस अलग, इंटरप्रिटेशन अलग, समझ में आया, उल्टा फॉरेन कंपनी में कितने हैं, 379 से लेके 393, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 49 सेक्शन, एलएलपी 81 सेक्शन, मुझे बताइए ऑडिट में कहां से कहां तक है, सर्जन वोकल 139 से लेके 148, अब बिना देखें, हाँ अकाउंट्स में कितने हैं, लॉस अकाउंट क्लोजर लॉस लॉस 128 से लेके 138, थोड़ा एक दो सेकंड लगेगा बट इट्स ओके, डे वन पे सब चैप्टर्स और सेक्शन याद करना कोई नहीं करता, ठीक है, यू आर स्टिल डूइंग इट, सो पहले ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, चलो अकाउंट्स के पहले डिविडेंड बांटना पड़ेगा ना, कहां से कहां तक, 123 से लेके 127, समझ में आ रहा है सबको, उसके पहले मैनेज करना, मैनेज करने के लिए कौन आया था, आठवां इन्वेस्टर, कितना लेके, 800, सो 88 से लेके 122, उसके पहले सात मिलके साथ में क्या किया था, चार, 77 से लेके 87, उसके पहले डाला कहां से, 73 से लेके 76 ए, सबको याद आ रहा है, लास्ट बेंचेस बोलो हाँ है ना, उसके पहले लगाया था ना शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, कहां से कहां तक, 43 से लेके 72, उसके पहले बुलाया था प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कहां से कहां तक, 23 से लेके 42, और उसके पहले फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन 3 से लेके 22, उसके पहले प्रिलिमिनरी 1 एंड 2, वापस से लेंगे अपन, पर एक एक छोड़ के, एक एक छोड़ के, ठीक है, क्या चल रहा जी, हे भगवान मैं कहां आके फंस गई, ठीक है, कुछ नहीं मेरे साथ रहो सिर्फ, बट दैट्स ऑल, पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी कितना, 1 2, मेरे को सब जन अब एक्शन के साथ बोलेंगे, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा कौन सा था, बुलाना, बुलाओ बुलाओ बुलाओ, कितना कहां से कहां तक, 23 से लेके 42, रेड टी शर्ट फोकस, ठीक है बोलो एक्शन करो, उसके बाद में छोड़ दिया, नेक्स्ट वाला डालना क्या था, 73 से लेके 76 ए, छोड़ दिया, नेक्स्ट वाला मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कहां से कहां तक, 88 से लेके 120, एक छोड़ दिया, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी 128 से लेके, समझ में आ रहा है, और ऑडिट छोड़ दिया, फॉरेन कंपनी 379 से 393, एलएलपी छोड़ दिया, फेमा सेक्शन कितने, 49, याद आ रहा है, वापस से लेंगे, उल्टा एक एक छोड़ के, ना ना आज रगो रगो में दौड़ना चाहिए, ठीक है, जब तक तुम्हारा खून निकाले और जब तक सेक्शन बाहर ना बहे तब तक नहीं छोड़ने वाला, ठीक है, फेमा छोड़ दो, एलएलपी कितने,
सर्जन बोलेंगे कितने 80। उसके पहले का फॉरेन कंपनी छोड़ दो, ऑडिट 139 से लेके 148, अकाउंट्स छोड़ दो डिविडेंड 123 से लेके 127, मैनेजमेंट छोड़ दो चार्जेस 77 से लेके 87, डिपॉजिट छोड़ दो शेयर कैपिटल 43, शेयर लगाना, शेयर कैपिटल लगाना कितना 43 से लेके 72, प्रोस्पेक्टस छोड़ दो फॉर्मेशन 3 से लेके 22, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? एट रैंडम जो बोलूंगा बोलना पड़ेगा। आर यू गाइस रेडी? फॉरेन कंपनी 379 से लेके 393, ऑडिट 139 से लेके 148, डिविडेंड 123 से लेके 127। अब तुम खुद शौक होंगे, मेमोरी टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है? तो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, सब जन कमेंट करेंगे लाइव स्ट्रीम में, मैं कमेंट्स देख रहा हूं, मेरे को चाहिए मंजे पाइजे मंजे चाहिए। शेयर कैपिटल डिबेंचर लगाना लगाना 43 से लेके 72, फॉर्मेशन 3 से लेके 22, चार्जेस 77 से लेके 87, फेमा 49 सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जाने दो उसको, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है? डिपॉजिट्स 73 से लेके 76 ए, प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस बुलाना 23 से लेके 42, कुछ याद आ रहा है? अकाउंट्स ऑफ द कंपनी क्लोज क्लोज 12,800, 128 से लेके 138 तक के, याद आ रहा है? मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 8वां इन्वेस्टर 800 मिलियन 88 से लेके 122, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? प्रिलिमिनरी 180, अगेन फॉरेन कंपनी 379 से 300, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अभी, थोड़ा लिटिल लिटिल, ठीक है? स्मॉल मिलाओ लार्ज बनाओ, लेट्स गो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। आर यू गाइस रेडी? प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस बुला बुलाना 23 से लेके 42, फॉर्मेशन 3 से लेके 22, डिविडेंड 123 से लेके 127, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर लगाना 43 से लेके 72, फेमा एलएलपी डिविडेंड 123 से लेके 127, अकाउंट्स 128 से लेके 130, डिपॉजिट 73 से लेके 76, जम रहा है सबको। अब मैं आपको बोलूं मैंने आपके साथ आज क्या किया। सर अभी भी बाकी है, चल क्या रहा है? अब आपको क्या करना है पता है? चलो फेमा छोड़ दो, एलएलपी छोड़ दो, मैं कंपनीज एक्ट का कोई सेक्शन बोलूंगा, आपको बोलना है कौन से चैप्टर में है। यह हमारा आज का टारगेट था, ठीक है? कैन वी डू दिस? सो कैन वी डू दिस? कॉन्फिडेंस रखो, तुमने मेहनत किया है ना। एक चीज आज से सीख जाओ, मेहनत करने वाला बंदा कभी भी मिट्टी नहीं खाता। तुमने मेहनत किया है, कॉन्फिडेंस रखो, गलत हुआ हुआ, कितने तो भी लोग गलत बोल के भी आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? हम तो सही कर रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? बिंदास नेता लोगों को देखा कभी जिंदगी में? अगले साल पानी मिलेगा, कौन सा वो नहीं बताते, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, नाम बिजली। तो फोकस, सही कर रहे हैं अपन, कुछ गलत नहीं कर रहे, कॉन्फिडेंस रखो, इट्स ओके, गलत हुआ चलेगा, कोई दिक्कत, दिस इज योर प्ले ग्राउंड, ठीक है? ठीक करने का काम मेरा है, मैं सेक्शन बोलूंगा, मेरे को चैप्टर चाहिए, ठीक है? सेक्शन नंबर 5, फॉर्मेशन इन कॉर्पोरेशन। सेक्शन नंबर 20, फॉर्मेशन इन कॉर्पोरेशन कंफर्म। सेक्शन 120, सोचो सोचो, क्लिक इट, बोलो कहां से कहां तक? मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर का सेक्शन भी बोलो साथ में, 88 से लेके 120। सेक्शन नंबर 75, सब जन बोलेंगे क्या है? डिपॉजिट्स, बराबर है, बोलो हाँ या ना। सेक्शन नंबर 90,
जोर से बोलो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 88 से लेके 122 बोलो हाँ आया ना। कुछ लोगों को थोड़ी सी तकलीफ जा रही है बट इट्स ओके। आप ये सोचो कि आपने ये सेक्शन जिंदगी में कभी पढ़े भी नहीं है, आपको नाम भी नहीं पता, बट इट इजंट इट ग्रेट कि फर्स्ट डे आपको ये पता है कि कौन से चैप्टर से है। ये सुनो तो सेक्शन नंबर 50 बोलो 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 फोकस। कुछ लोगों को दिक्कत जा रही होगी, इट्स ओके आ जाएगा, टेंशन नहीं है। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर सेक्शन नंबर 30 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर 23 से लेके 42 बोलो हाँ यार। सेक्शन 75 जोर से बोलो डिपॉजिट 73 से लेके 76A ठीक है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 80 जोर से बोलो कहां से चार्जेस ऑन असेट 140 जोर से बोलो कहां से ऑडिट ऑफ अकाउंट्स यस ऑर नो 130 अकाउंट्स ऑफ कंपनी 128 से लेके 138 मुझे तो इसमें से एक भी सेक्शन तुमने पढ़ा है क्या बट स्टिल तुमको पता है कौन से चैप्टर से। तो मैंने किया क्या आज तुम्हारे साथ पूरा बता दूं कि आज मैंने क्या करवाया फर्स्ट डेमो लेक्चर जो डेमो देखने आए उनके लिए दिस इज माय राइट प्रोफाइल दिस इज माय लेफ्ट प्रोफाइल मैं ऐसे भी दिखता हूं ठीक है। तो मैंने आज तुम्हारे साथ क्या किया एक केस स्टडी हमने कंप्लीट की ओयो वाली साथ साथ में सिर्फ एक फेक फिगर मैंने आपको मेड अप फिगर बताया था 379 तो ऐसा बोल के याद रखने का सर ने झूठ बोला था फॉरेन कंपनी के लिए बोलो सर ने झूठ बोला क्या झूठ बोला था 379 झूठ बोला था समझ में आ रहा है तो ऐसे ही याद रह जाएगा और सर को गाली देने को मिल रहा है और क्या चाहिए जीवन में बोलो हाँ है ना चलो गुड। ये हो गया एक केस स्टडी हमने कंप्लीट किया ओयो का बहुत अच्छे से हमने पूरा सिलेबस देखा हमारा क्या है ठीक है। अब इस सिलेबस में कंपनीज एक्ट और एलएलपी 70 मार्क्स का है कंपनीज एक्ट के 11 चैप्टर्स और एलएलपी कितने मार्क्स का है 70 जनरल क्लॉजेस इंटरप्रिटेशन और फेमा 30 मार्क का है ठीक है। जनरल क्लॉजेस इंटरप्रिटेशन फेमा कितने मार्क का है 30 अदर लॉ इस बार पहले लास्ट टाइम भी हुआ था इस बार और तोड़ होगा क्योंकि फेमा में 12 साल से पढ़ा रहा हूं सीए फाइनल का टॉपिक था और वो भी तुमको आधा ही अप्लीकेबल है तुमको ना एक्सपोर्ट प्रोसीजर से ना इंपोर्ट प्रोसीजर से तुमको एकदम छुट्टू पुट्टू चीजें अप्लीकेबल है ठीक है। तो वो पूरा का पूरा मतलब छोड़ दो फेमा ही 18 मार्क का है तुम्हारे 30 में से तो अपन घुट के कर डालेंगे ठीक है। उसके नोट्स इंटर के पहले रेडी थे ठीक है सो डोंट वरी ठीक है। सो आपको 70 मार्क का क्या है सज्जन बोलो कंपनीज एक्ट के कितने चैप्टर्स 11 और साथ में एलएलपी एक्ट और आपका जनरल क्लॉजेस इंटरप्रिटेशन और फेमा 30 मार्क क्लियर है। तो मैंने आपको सिलेबस याद करवाया साथ में हमने सिलेबस के सेक्शंस याद कर लिए ब्रैकेट्स बना लिए दिमाग में। तो मैंने आज क्या किया मैंने तुम्हारे दिमाग में अलग अलग चीजों का घर बना दिया ठीक है कि ये कंपार्टमेंट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ये कंपार्टमेंट फॉर्मेशन का ये कंपार्टमेंट डिपॉजिट का ये कंपार्टमेंट चार्जेस का। अब इसके बाद में मुझे मिल गया फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे कल था पर फ्रीडम मेरे को आज मिला पूछो क्या जोर से पूछो क्या। मैं लॉ 1234 सेक्शन नंबर से कभी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि लॉ इज टोटली इंटरकनेक्टेड स्पाइडर वेब और तुमने इंस्टीट्यूट के एग्जाम के क्वेश्चन लास्ट टाइम अगर देखे होंगे ना दो तीन सवाल सेक्शंस मिलके एक सवाल आता है कि भैया वो सेक्शन नंबर नेम क्लॉज के लिए पूछ लेंगे आपका सेक्शन नंबर 4 साथ में ऐड कर देंगे सेक्शन नंबर 16 साथ में उधर का एक आधा कैपिटल का सेक्शन उठा के भैया 61 लो खेलो ठीक है। और बच्चा और ये ट्रेंड हो गया है दो तीन सेक्शन कंबाइन करके सवाल पूछने का क्रॉस रेफरल सेक्शन और इसी बेसिस पे तुमको केस स्टडी आता है और केस स्टडी आ गया तुम्हारी लग गई क्योंकि तुम्हें पता है ऑब्जेक्टिव 25 मार्क ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव नहीं है मजाक नहीं है भाई वो तुम्हें पूरा पैराग्राफ देंगे केस स्टडी फर्स्ट टेस्ट में तुमको समझ में आएगा पूरा केस स्टडी देंगे वो केस स्टडी के ऊपर 25 मार्क के ऑब्जेक्टिव है और वो केस स्टडी पूरे चैप्टर्स के क्रॉस रेफरेंसेस है मतलब दो चार चैप्टर मिलके वो इवन फेमा भी डालेंगे इस बार वो कंपनीज एक्ट के 3 चैप्टर 1 फेमा ये मस्त केस स्टडी घोल के लगा लो खुद की ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स वो इजी वाले नहीं देने वाले वो आपको ठीक है। सो मैंने किया क्या मैंने कंपार्टमेंट बना दिया आपके दिमाग में नाउ आई एम फ्री मैं आप कोई भी सेक्शन किसी भी चैप्टर का उठा के कोई भी सेक्शन किसी भी चैप्टर से जोड़ दूंगा ठीक है और मैं आपको पढ़ाऊंगा और तुमको समझ में भी आएगा क्यों क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कंपार्टमेंट बने हैं। अब मैं अगर कल पढ़ा रहा हूं सेक्शन नंबर 12 और मैंने नहीं बोला कि इसको याद नहीं करना है बिल्कुल नहीं करना है किया सुसाइड कर लूंगा फिर भी वो याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि अगर ये आपको पता है कौन से चैप्टर से है तो जब पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली ऑल याद हो जाएगा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ
समझ में आया? आज मैं 5 मिनट तुमको जल्दी छोड़ रहा हूं, पर हर रोज ये मेरे से एक्सपेक्ट करने का नहीं। पहले होमवर्क लेके जाओ, 2 क्वेश्चन लिखो। हाँ, और होमवर्क नहीं किया पहले दिन बोल दो एडमिशन लेना किसी का बाकी होगा तो, जिसने ले लिया उसकी तो लग गई है। लेने के पहले बोल दो तुम होमवर्क नहीं कर के आओगे, कल हम तुमको खड़ा रखेंगे क्लास में 2 घंटे, डेमो फेमो गया तेल लेने, मेरे को उसका कोई लेन देन नहीं है। जिसको मेहनत करना है उसी ने क्लास लगाना भाई, ठीक है? जो होमवर्क करके नहीं आएगा 1-1.5 घंटा पीछे खड़े रहना, पीछे के बेंच से जितने भी लोग पीछे बैठे हैं, हो सकता है तो जो होमवर्क करके नहीं आ रहा पहले पीछे चले जाना खड़े रहने के लिए, जिन्होंने होमवर्क किया है वो सब आगे आके बैठेंगे। समझ में आया पक्का? वो एरिया को हम कहते हैं पोचिंग की। पोचिंग की पता है ना, पबजी वाला, तो पोचिंग की, इधर से हम हेडशॉट मारते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो जो होमवर्क नहीं करेगा वहां रहेगा, बात खत्म, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द लिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर। ईमानदारी से क्वेश्चन 1 लिखना, ठीक है? वी हैव टू काउंट एवरीथिंग। स्टेट द लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स एंड देयर सेक्शन रेंज। जो तुम्हें लग रहा था कि दर्शन सर ये चार्ट कॉपी करने देंगे, दर्शन सर नहीं देने वाले, दर्शन सर तुमको बोल रहे घर से लिख के लाओ, ठीक है? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड द हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट। फाउंडेशन में पढ़ा होगा ना सर? नो सर। यस सर। सेट द डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एंड राइट डाउन द हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट। ऑल्सो मेंशन अ प्रोसेस टू पास द लॉ। ऑल्सो मेंशन अ प्रोसेस टू पास द लॉ। अब इसमें तुमको जो आता है जैसा आता है ट्राई करके लिख के लाने का, ठीक है? 2 क्वेश्चन मैंने आज दे दिए होमवर्क। स्टेट द डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एंड राइट डाउन द हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट। ऑल्सो स्टेट द प्रोसेस टू पास द लॉ। एक्चुअली अगर आप ध्यान दो तो तीनों क्वेश्चन का सिर्फ डेफिनेशन अलग है, पर दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट एंड प्रोसेस टू पास द लॉ आप कंबाइन कर सकते हो अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो, ठीक है? सो दिस इज योर होमवर्क, पहले 2 क्वेश्चन, मुबारक हो, ठीक है? और आज के लिए हम इतना करते हैं, काफी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोई भी शंका, कुशंका, लघु शंका, दीर्घ शंका हो तो क्लास के बाद मिटाने आ जाना। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बोलो बच्चों, जोर से बोलो, चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हाय हाय हाय, क्या हो गया हमारे साथ आज, ठीक है? चाय पी के नाश्ता करके नेक्स्ट क्लास में बैठना, ठीक है? और सुनो, पहले 15 दिन टफ रहने वाले हैं, थोड़े से 11 घंटे जिंदगी में क्लास की नहीं होगी, ठीक है? तो खुद को बनाए रखना, हेल्थ वेल्थ के ऊपर अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो अब्सेंटी उसी वजह से ना हो जाए, ठीक है?